असां ते जाने दिलों दे घर किन्ने किन्ने जाने दिलों दे घर असां ते जाने दिलों दे घर वे किन्ने किन्ने जाने दिलों दे घर टिकट कटा लाइन बनाओ 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 लाइन बनाओ किन्ने किन्ने जाने दिलों दे घर किन्ने किन्ने जाने दिलों दे घर साथ जाने दिलों दे घर किन्ने किन्ने जाने दिलों दे घर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप देख सकेंगे सुबह सुबह, और बड़ा सोच विचार के हमने कहा ये वाला प्रोग्राम आपको ज़रूर दिखाना है क्योंकि आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है। समझ नहीं आता है कि आप किस चीज़ का इंतखाब करें, कहाँ जाते हुए किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह कलर का इंतखाब करना है, क्या आपके रंगो रूप पर ये रंग जचता भी है कि नहीं या आपको दबा देता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं उस हवाले से जो आपको सजाएगा, संवारेगा और बेहतर दिखाएगा, आपकी पर्सनालिटी को और उभारेगा। देखिए, इंसान को वही फैशन करना चाहिए जो उस पर जचे, ठीक है ना। और इंसान अपना सबसे बड़ा क्रिटिक खुद होता है। शीशा जो है वो उसमें 4-5 मरतबा पहन के, बाल बना के, मेकअप करके या लिपस्टिक कौन सी इस पर जचती है कि नहीं, वो 10,000 दफ़ा शीशे में आप देख सकते हैं और शीशा ही आपका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप पर मरून कलर जचता है, आप पर रेड कलर जचता है, आप पे ग्रीन जचता है, आप पे फिरोजी जचता है, तो मैं हो सकता है गलत हूँ, मगर आपको खुद पता है कि आप पर क्या जचता है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है कि आपको क्या लगता है कि आप किस में अच्छी लगती हैं। अच्छा, थोड़ा इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पता लगने लगता है कि अच्छा नहीं, वो जो मैंने पिछली दावत में कपड़े पहने थे मुझे लग रहा था कि मुझ पर जच रहे हैं मगर मुझ पर नहीं जच रहे थे, तो इस दावत में आप उससे बेहतर तरीके से तैयार होकर जाएंगी। फिर आप जो अवेयरनेस है मीडिया से आपको मिल रही होती है, इंटरनेट के थ्रू मिल रही होती है, दूसरों को आप देखते हैं, उनसे आप सीखते हैं, तो आप अपने बड़े क्रिटिक, सबसे बड़े क्रिटिक खुद हैं। पहले आपको लगता था कि वो रंग, कुछ रंग ऐसे हैं जो आप पे जचते नहीं, आप उनको पहनते नहीं थे, आप उनको अपने वार्डरोब में रखते नहीं थे, मगर मीडिया की अवेयरनेस की वजह से आपको पता चल गया है कि अगर आपने पीला रंग पहनना है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसको कैरी कैसे करना है, कैसे उसके साथ मेकअप करना है, कैसे उसके साथ बाल बनाने, क्या उसके साथ एक्सेसरीज रखनी है, जिसकी वजह से वो पीला रंग आपकी पर्सनालिटी में निखार पैदा कर देगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करते हैं। मुझे पहले लगता था पिंक कलर पहनकर, खासतौर पर जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज जा रहे होते हैं तो आपका रंग बिल्कुल काला कलूटा हो जाता है। मेरा भी ऐसे ही हो गया था, भुजंग हो गई थी कुछ यूनिवर्सिटी के चक्कर काट काट के, तो मुझे लगता था वो गुलाबी रंग मुझ पे नहीं अच्छा लगता, मैं बड़ी काली और अजीब सी बेरौनक सी लगती हूँ। फिर आहिस्ता 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 जब मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई तो मुझे लगा नहीं, पिंक कलर तो हमारे ऊपर बहुत प्यारा लगता है, वो ज़्यादा क्यूट लुक देता है, पिंक मेकअप तो आप पे ज़्यादा सूट करेगा, आप पे यंगर लुक आएगी ज़्यादा। मैं हमेशा से यंग भी थी, जब बहुत टीनेजर भी थी तब मैं ब्राउन मेकअप किया कर रही होती थी कि नहीं ब्राउन मेकअप है ना, ज़ाहिर है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है, हल्की सांवली हल्की बीटिश है, तो ब्राउन मुझ पे ज़्यादा जचेगा, बड़ा सेफ है। मगर ब्राउन से आपकी उम्र और बड़ी लगती है अगर आप छोटे होते हैं, यंग होते हैं। तो ये आहिस्ता 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 बात मेरे दिमाग में आई, मगर मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें जल्दी आ जाएँ। आज हम बात करेंगे सफ़ेद रंग के ऊपर। सफ़ेद रंग अमन और उम्मीद की तरफ इशारा करता है। जिन लोगों का सफ़ेद रंग फेवरेट कलर होता है वो दिल के बहुत नरम होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े सादा तबीयत होते हैं। डॉक्टर का कोट वाइट होता है जो कि पाकीज़गी, उम्मीद और एफिशिएंसी को की तरफ निशानदेही करता है। तो जनाब बहुत सारे लोगों का कलर फेवरेट कलर वाइट होता है, मगर उनको लगता है कि वाइट कलर उनके ऊपर जचता नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका रंग कुछ कम है, अगर सांवले लोग वाइट कलर पहनेंगे तो उनका रंग और सांवला लगेगा, और अगर गोरे लोग वाइट कलर पहनेंगे तो उनका रंग थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। सांवले लोगों पर वाइट कलर बहुत प्यारा लग सकता है और गोरे लोगों पर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है वाइट कलर, क्योंकि हम आपको बताएंगे वाइट कलर के साथ आप तैयारी कैसे करें, बाल कैसे डाई कराएं, बाल कैसे स्टाइलाइज कराएं, मेकअप किस तरह का करें, व्हाइट कलर को लेकर आज हम शो करेंगे। और साफ बात है, ये मत सोचें कि व्हाइट कलर सिर्फ बुजुर्गों का कलर है। अच्छा जी, उम्र बड़ी हो गई है तो ही व्हाइट कलर पहनना है, बल्कि यंग लड़कियों पर और अधेड़ उम्र की खवातीन पर या जो औरतें हैं, 3-4 बच्चों की माएँ हैं, उनके ऊपर भी वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है। बल्कि इवन बच्चों पे वाइट कलर उनकी पर्सनालिटी को निखारता है। अगर आपको पता है वाइट कलर की पेंसिल आप आंखों के अंदर लगा लें और आपकी आंखें छोटी हैं तो आपकी आंखें बड़ी लगने लगती हैं उस वाइट कलर की पेंसिल लगाने से। मगर हम लोगों को लगता है कि अगर आप काजल लगा लें आंखों पे तो वो बड़ा लगेगा, आंख को बड़ा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वाइट पेंसिल आंखों के अंदर लगाने से आपकी आँख खुली खुली लगती है, बड़ी बड़ी लगती है। इंडियंस जो हैं यानी हिंदू हैं वो समझते हैं कि वाइट कलर शोक की निशानी और किसी के मरने पर वो सफ़ेद रंग का इंतखाब करते हैं। और वहीं अगर वाइस वर्सा देखें, वेस्ट में वाइट कलर दुल्हन को पहनाया जाता है, खुशी की अलामत है, मुबारकबादी की अलामत है। अच्छा, अब एक और कसौटी में आपसे खेलती हूँ, ठीक है? देखते हैं कि आप लोग इस कसौटी में पूरे उतर सकते हैं कि नहीं, सही है, गैस कर सकते हैं कि नहीं। दरवाज़ों के हैंडल इससे बनते हैं, जरासीम से बचाने के लिए। डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं जरासीम से हिफाजत के लिए। डॉक्टर्स के आलात इससे बने होते हैं। खाने में जरासीम ना जाए। बच्चे इसलिए इससे हाथ धोते हैं। क्या डेटॉल से बनते हैं वो हैंडल्स? सच है, सच। ये बिल्कुल समझ गए आप लोग। न्यू एक्टिव सिल्वर लाइफ बॉय, जिसकी वजह से जरासीम आपसे दूर रहेंगी। और क्या है ये न्यू एक्टिव लाइफ बॉय, सिल्वर लाइफ बॉय? ये एक वो कहते हैं ना, एक शील्ड है सिल्वर की जो आपको बचाएगी जरासीम से। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मज़ेदार शो दिखाते हैं जो आपकी सुबह को पुरौनक बनाएगा और खूबसूरत सुबह का आगाज़ कराएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से और निदा यासिर से गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हम आपको ये बता रहे हैं कि वाइट कलर, गर्मियां हैं, कोई भी काले रंग का जोड़ा या मरून या नेवी ब्लू, डार्क कलर्स पहन के दावतों में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि वो कलर्स देख के ही आपको गर्मी लगने लगती है। मगर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो सफ़ेद रंग पहन कर जाए ताकि वो खिला खिला लगे, उसको खुद भी गर्मी ना लगे और दूसरों को भी जब वो नज़र आए तो उनको गर्मी महसूस ना हो और उलझन ना हो। लेकिन वाइट कलर के ऊपर किस किस तरह का मेकअप हो सकता है, किस किस तरह के कपड़ों पर, ये हम आज आपको बताएंगे। और ये बात आपको वाजिद खान से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो आइए वेलकम करते हैं वाजिद खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाजिद खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका नया सलून शुक्रिया, जो तारिक रोड पे ओपन हुआ है और अल्लाह वाली चरंगी के आगे जाकर या पीछे जाकर, ये बता दें आप किधर के? मेन तारिक रोड पे मॉडिला शूज के ऊपर। अच्छा, वाह वाह, मॉडिला की भी ब्रांडिंग। हाँ, तारिक रोड पे आप अल्लाह वाली चौरंगी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, वाजिद खान का बोर्ड लगा है ऊपर। और आपको सारी मॉर्निंग शो होस्ट और एक्ट्रेसेस वहीं पे मिलेंगी। अगर आपको मिलना है तो हेयर कट करवा ले। मंडे को निदा यासिर होंगी मेरे पास हेयर कलर के लिए, जो मिलना चाहते तो प्लीज आए, निदा यासिर से भी मिले और निदा यासिर हेयर कलर करवाना। अच्छा जी, अब वाजिद, हमने आपको ये टास्क दिया है कि सफ़ेद रंग के कपड़ों के ऊपर मेकअप करना आसान नहीं होता। ख़वातीन तो खुद उनको समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करें, किस किस तरह के मेकअप वाइट कलर के ऊपर जच सकते हैं, उठ सकते हैं? क्योंकि होता है ना, वाइट कलर कुछ चीज़ों को दबा भी देता है और कुछ चीज़ों को उभारता भी है। बिल्कुल, वो हम लोगों को टेक्निकली नहीं पता, वो एज ए स्टाइलिस्ट आप बताएंगे। जैसे तुमने क्या पहना है? खड़ी हो जरा मिनट। इसमें आजकल बेल बॉटम्स चल रहे हैं, ठीक है? बेल बॉटम पहना हुआ है विद शॉर्ट शर्ट, तो आजकल बेल बॉटम्स इन है। बेल बॉटम वाजिद आप सुन ले, मैं आपसे बात जी जी बेल बॉटम मैंने कलर देखना शुरू कर दिया था कि क्या कलर लगाऊं। अच्छा मैंने कहा मैं आपसे तो आप सईदा मीरा के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, और ये बताइए कि इन कपड़ों के ऊपर किस तरह के बाल, किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा? अच्छा क्या है कि वाइट ऑलवेज हमेशा से जो लोग पहनते हैं जिनको कैरी करना आता है वो, जैसे आपने पहना हुआ है, आपने अपने डाका स्कीम है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग इसको बना देते हैं। तो आज हम जो करेंगे सॉफ्ट से हम डार्क की साइड पे जाएंगे और हम क्रीसेस जैसे बनाते हैं, हम लाइनों को ब्लेंड करना बताएंगे, हम शिमर के साथ भी मेकअप करेंगे, आज हम डार्क कलर भी लगाएंगे और हम पिंक के साथ भी करेंगे। तो जैसे अभी इन्होंने ये पहना हुआ है स्ट्रेट कट है, बेल बॉटम है और सीधी कमीज है, तो बहुत ज्यादा ये जो कपड़े जो हैं बहुत हैवी नहीं है, ये सेमी फॉर्मल के हैं, क्या कहें सेमी फॉर्मल बोलेंगे, हाँ सेमी फॉर्मल पार्टी बर्थडे फॉर्मल, अच्छा फॉर्मल ओके फॉर्मल है। तो हम इनके ऊपर ऐसा मेकअप करेंगे जैसे किसी पार्टी में जा रही हैं, ठीक है। तो हम इनके ऊपर इवनिंग मेकअप करेंगे, ठीक है। और बाल हम बनाएंगे, इनके बाल बांधेंगे। हाँ मेरे पेज पे किसी ने लिखा वाजिद आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, और थोड़ी सी स्टाइलिंग पे आप तवज्जो दे दें। तो आज हम स्टाइलिंग भी बताएंगे कि स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मायरा आप इधर आ जाए, हम मायरा का मेकअप स्टार्ट करेंगे। अच्छा अगेन जिस तरीके से हम बेस लगाते हैं, हमेशा से मैं बेस लगाने का आप लोगों को तरीका बताया है कि मैं स्पंज में लेके हल्का सा ठीक है। अच्छा क्या व्हाइट कलर के ऊपर किस तरह की बेस लगानी चाहिए? जो आप हमेशा नॉर्मली बेस लगाते हैं, जो कलर वाजिद जो कलर आप हमेशा अपने फेस पर बेस का लगाते हैं वही होना चाहिए, या थोड़ी सी फेयर बेस देंगे हम? अच्छा क्या है कि डिपेंड, अच्छा ठीक है। अगर थोड़ा सा आप डार्क बेस लगाओगे व्हाइट के ऊपर तो भी अच्छे लगोगे, और थोड़ा लाइट बेस लगाओगे तो भी अच्छे लगोगे। अगर लेकिन बीच की बात करो ना, नहीं नहीं मैं बताने लगा, मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर आप डार्क बेस लगाते हो तो ब्लशर थोड़ा कम लगाओगे, ठीक है। और अगर लाइट बेस लगाते हैं तो थोड़ा ब्लशर ज्यादा लगाते हैं तो कलर फेस की फेस पे आ जाता है, ओके ठीक है। तो वो भी मैं करना बताऊंगा, बहुत हल्का हल्का सा हम बेस लगाएंगे। मेरे ख्याल से हम इस पर रखते हैं कि अगर हम थोड़ी ब्राइट बेस लगाएं और ब्लशर ज्यादा दे देंगे, कलर रौनक से भरपूर भी लगेगी, क्योंकि गर्मियों में अक्सर जब आपने मेकअप थोड़ा सा हल्का सा डार्क किया हुआ होता है वो आपकी गर्मी के साथ जब आप शाइन करते हैं आपका फेस वो और डार्क हो जाता है। हल्का सा अगर ब्राइटर चेहरा दें आप गर्मियों में तो पसीना जो आएगा उससे आपका चेहरा ब्लेंड हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा हम ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन जितना आपका रंग है उससे एक टोन ब्राइट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ब्राइट करेंगे तो ग्रे लगने लगेंगे, ठीक है, वो ज्यादा ऑड लगेगा। तो हम इतना ब्राइट करेंगे जितना हमें करना है। अगर आप सांवले हैं और आपको रंग चाहिए गोरा है तो हल्का सा आपके आप जो बेस के अंदर हल्का सा 17 मिलाएंगे और 17 के अंदर 38 मिलाएंगे तो एक टिंट बन जाएगा, जिससे आप बहुत नेचुरल आपका पिंक लगेगा या रंग गोरा लगेगा, ठीक है। दो टोन मिला के अगर आप बनाएंगे, जैसे ये देख रहे हैं इसकी जो पिगमेंट है, इसका जो कलर है हल्का सा ऑरेंज है, अच्छा हल्का सा ऑरेंज है, अच्छा। और ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा व्हाइट है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट व्हाइट लगा दूंगा सांवले कलर के ऊपर तो वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टिंट देने के लिए, टोन बनाने के लिए हल्का सा इसके अंदर पिगमेंट ऐड करने के लिए मैं हल्का सा ऑरेंज डालूंगा और फिर व्हाइट मिलाऊंगा, तो जब ये दो मिक्स कलर करके बनेगा तो एक नेचुरल फील आ जाएगी, तो वो ग्रे नहीं लगेगा, लुक गोरा भी लगेगा। एग्जैक्टली, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी आपकी बेस फ्रेश होती जाएगी और आप फ्रेश लगने लगेंगे, ठीक है। और अगेन वही तरीका, मैंने दोनों बेसों को मिक्स कर लिया इस तरीके से, एक ही स्पंज पे दोनों बेसों को, फाउंडेशन को मिक्स किया। अच्छा जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, जो मेरी क्लास लेने आते हैं सैलून पे, उनके लिए भी ऐसा ही है। तो ये मैंने दोनों बेसों को मिक्स किया और उसके बाद मैंने सी हल्की हल्की सी मैं टैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है टैपिंग कर रहा हूँ। अच्छा कॉम्पैक्ट फिर कैसा देंगे इसके ऊपर? कॉम्पैक्ट आप गोरा दे सकते हैं। कॉम्पैक्ट जब आपने ये वाली बेस कर दी कि जिसपे ऑरेंज और आपने थोड़ी फेयर बेस मिक्स करके लगाई है, तो उसमें जो है वो आप कॉम्पैक्ट दे सकते हैं, गोरा गोरा दे सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टिक लगाते हैं, बेस लगाते हैं और उसके ऊपर अगर आप गोरा भी आई शेडो कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो जब स्टिक के ऊपर लगता है तो वो स्टिक का कलर ही ले लेता है। तो अगर आप अगर डार्क लगाएंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा, तो इसलिए आप लाइटर टोन लगाएं, ठीक है, गोरा लगाएं थोड़ा सा पाउडर। एंड अगर आपके पास फेस पाउडर खत्म हो जाता है तो आप वो जो नॉर्मल टेलकम पाउडर होता है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब वो तो बिल्कुल क्लियर पाउडर होता है, जब वो बेस के ऊपर लगाएंगे तो वो अपना ही कलर ले लेता है, ठीक है। उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे, वो देखेंगे देखिए हम पाउडर टैप करें, पाउडर थोड़ा ज्यादा लग जाए तो कोई मसला नहीं है, पाउडर थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। और उसके बाद नेक करना ना भूलें, सही है, नेक बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है लोग फेस पे कर लेते हैं और गर्दन छोड़ देते हैं, तो गर्दन पे जरूर लगाएं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आई शेडो लेंगे। हाँ अच्छा, अब हम जरा ये वाला जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वाइट बेल बॉटम, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाइट पे आप कौन कौन से कलर के आई शेडोज दे सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, व्हाइट पे हम ग्रीन लगा सकते हैं, व्हाइट पे हम ब्लू लगा सकते हैं, व्हाइट पे हम फिरोजी लगा सकते हैं, व्हाइट पे हम ब्राउन लगा सकते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर आप दे सकते हैं। अगर आपने बहुत प्लेन कपड़े पहने हैं, अच्छा, ठीक है, तो हम इसके साथ इनको हम अगर हमें इनके ऊपर थोड़ा सा फिरोजी का टेंट देंगे, हल्का सा, फिरोजी नहीं कि फिरोजी फिरोजी हो जाए पूरी यार, हल्का सा सिर्फ सेंटर में लगा के अगर उसको ब्लेंड कर दें पिंक के साथ तो बहुत अच्छा सा एक शेडो बन जाए। अच्छा, मतलब आप इनको, हाँ, इनको आप फिरोजी आई शेडो के साथ एक टेंट दे रहे हैं। हाँ, हम दे सकते हैं। लेकिन अगर देखें मायरा है ना, हाँ, मायरा का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, हाँ, ठीक है, साफ है, हाँ, अगर मैं आती हूँ इन सबका ही फेयर है, कौन हो गई कोई है थोड़ा, हाँ बेटा इधर आओ जरा, इधर आओ छोटी सी है ये, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के बारे में पूछना, हाँ, चाहिए। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डिम है, इधर आओ बेटा, बड़े प्यारे लग रहे हैं फ्रेम में सब वाइट, हाँ अच्छे लग रहे हैं, इधर आओ बेटा। अगर देखें इस जिस तरह का इसका प्यारा सा कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, हाँ उधर देखो, उधर, हाँ इसका कॉम्प्लेक्शन है, अगर ये, हाँ, इसका मेकअप आप करोगे तो क्या इस पर पीच आई शेडो अच्छा लगेगा, इस पे ब्राउन आई शेडो अच्छा लगेगा, इस पे सिल्वर गोल्डन, अच्छा पीच आई शेडो बिल्कुल अच्छा लगेगा इसके, हाँ, इसके कॉम्प्लेक्शन, हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा, हाँ, अगर पीच के साथ हल्का सा आप गोल्ड मिक्स कर लें, अगर गोल्ड की टेंट दे दें इसके कॉम्प्लेक्शन पे, गोल्ड और पीच का, हाँ, जितना आप गोल्ड पे जाएंगे, जितना ब्रॉन्ज पे जाएंगे आप प्यारे लगेंगे। बेटा बैठ जाओ, ठीक है। और लिपस्टिक भी पिंक अच्छी लगेगी, जितने ब्राइट कलर है, जैसे इन्होंने कपड़े व्हाइट, अच्छा मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि व्हाइट कलर के कपड़े पहने हो, कॉम्प्लेक्शन सामना हो, बिल्कुल। तो लिप कलर भी अगर जैसे इन्होंने पहना हुआ था, अभी लिप कलर नहीं पूछ रही, अभी सिर्फ आई शेडो पे टीचर आपसे जितना पूछे उतना बताइए टीचर। क्या है कि आप ब्रॉन्ज कर सकते हैं, गोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस ब्रॉन्ज, ये जैसे ब्राउन है, ये वाला ब्राउन कलर है, ये बहुत प्यारा कलर है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ये सिंगल शेड ब्राउन का उठाएं, ये सेफ कलर है, इसमें आप बुरे नहीं लग सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ओके, तो क्या है कि अभी हम करेंगे, अभी हम मतलब देखिए आम मेकअप तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन ये जो फिरोजी है, ये जो ग्रीन है, ये मेकअप होते हैं टिपिकल मेकअप, टेक्निकल मेकअप, ये हमें वाजिद से सीख रहे हैं कि भाई अगर फिरोजी करना है, हमारा दिल चाह रहा है भाई आज फिरोजी करने का, और हमने फिरोजे के बुंदे पहनने इसके साथ, ये ज्वेलरी हम व्हाइट के साथ फिरोजे की कैरी कर रहे हैं, तो हम उससे मैच करके। कहाँ अबू रोहान साहब आ गए? हाँ अबू रोहान साहब, आपके पास है ज्वेलरी फिरोजे की? ये देखिए, अच्छा देखिए, हल्का सा हम फिरोजी, सॉलिड फिरोजी लगा रहे हैं। ये हमें सीखना है वाजिद कि ये आप सॉलिड कैसे मिक्स करें। लिट के अंदर सिर्फ हमने लगाया है, हाँ, सिर्फ इतना लगाया है डी शेप में, लेकिन अभी आप इसको ब्लेंड करेंगे, है ना? हाँ, यही तो मजा है भाई कि आज के प्रोग्राम में यही तो हमने आपको दिखाना है कि व्हाइट पे फिरोजी मेकअप भी हो सकता है, व्हाइट पे ग्रीन। ठीक है, हमने ये शेडो लगाया, हाँ, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड किससे करें? ये पिंक शेड के साथ हल्का सा, ठीक है। अच्छा, फिरोजी पिंक से ब्लेंड करने में बड़ा सॉफ्ट लुक आएगा, सॉफ्ट लुक आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर फिरोजी और जब पिंक मिक्स हो रहा होता है तो ये बीच का ब्राउन टेंट बनता है हल्का सा। ये देखिए, इस लाइन को हम ब्लेंड कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से करके हम इस लाइन को ब्लेंड करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो वो फिरोजी भी थोड़ा डल होता जाएगा, ओके, और कलर बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा पानी ले लें, बहुत लग रहा है, मतलब मैंने तो कभी ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया कि फिरोजी के साथ पिंक की ब्लेंडिंग से इतना सॉफ्ट, और जो क्रीज बनाई है ना, हाँ, आपने क्रीज वो आपने पिंक से बनाई, हाँ, देखिए ब्लेंड हो गया, बट हाँ, हमें फिरोजी को हाईलाइट ही रखना है क्योंकि हमारा मेन फोकस फिरोजी कलर का है, ठीक है। तो मेरा ब्रश कहाँ रख दिया मैंने, मेरे हाथ में था, ये रहा। तो दोबारा से हम हल्का सा, आप लोग रेडी रहो, जो जो ब्रश चाहिए हो वाजिद को ना देने के लिए। देखिए, हमने फिरोजी दोबारा आंखों ने, ये फिरोजी हमने फिर से इधर लगा दिया हल्का सा। अच्छा, ये और लगाया आपने, हाँ, ब्लेंड करने, हाँ, के बाद फिर और दिया है, हाँ, हल्का सा हमने और दिया ताकि वो कलर जो है इनहेंस हो जाए। वाओ ठीक है। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है थोड़ा फंकी मेकअप करने का, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। अच्छा समटाइम क्या होता है कि अब जरूरी नहीं है कि आप लाइनर लगाएं, हाँ। इसी पे अगर आप थिक मस्कारा करेंगे, आईब्रो बनाएंगे, हाँ। तो आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है ठीक है। ये देखिए अब हम आईब्रो हल्की सी बनाएंगे। अच्छा अभी हम लाइनर नहीं लगा रहे ठीक है, मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि लाइक लाइनर लगाने में वैसे भी सबको बहुत मुश्किल होती है कि टेढ़ा लग जाएगा ये, और फिर फिरोजी कलर के साथ खेलना। आईब्रो करके थिक मस्कारा लगाओगे, काजल वाजल कुछ नहीं दे रहे उसके साथ? नहीं, मैं नीचे हल्का सा फैलाऊंगा ब्राउन। अच्छा अच्छा, आजकल इस तरह के मेकअप चल रहे हैं काजल? आजकल हर चीज इन है यू नो कि बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है और कितना लगाना है। सही मेकअप का ये अगर आपको मेकअप करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लगाना है और किस तरीके से लगाना है ठीक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं तो जब मेकअप सीखने का प्रोग्राम होता है मैं ज़्यादा छोड़ के ना बस यही देखूं कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है मेकअप सीखने का ठीक है। अच्छा हमने ये लगा लिया इस तरीके से ठीक है। हाँ ये देखिए सही। अब हम थिक मस्कारा मुझे मिल जाएगा ना, मस्कारा करेंगे हाँ। अच्छा बार बार मैं आपको बताता हूँ अगर मस्कारा नया लेते हैं और थोड़े दिन बाद लड़कियां बोलती हैं कि सूख जाता है हाँ। तो सूखता किस तरीके से, आप यूं यूं करते हैं तो मस्कारे के अंदर हवा जाती है और मस्कारा सूख जाता है। अच्छा। तो मस्कारा निकालने का सही तरीका इस तरीके से आपने मुझे बताया था इस तरीके से ठीक है। तो मस्कारा थिक मस्कारा करेंगे। ये मैं मस्कारा कहीं खरीदने गई थी बाहर, तो उन्होंने मुझे एक्सपर्ट ने बताया था, तो वाजिद मेरा मेकअप करते थे तो मैंने कहा वाजिद तुम मेरे मस्कारे को बार बार ऐसे करोगे तो हवा जाएगी। हाँ याद आ गया मुझे, तो ये एक दफ़ा डालने से जो है मस्कारा सूखता नहीं ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे हल्का सा सॉफ्ट सा एक शेड लेंगे पिंक का ही। अच्छा ब्राउन दिस ब्राउन हाँ। ये ब्राउन और ये पिंक शेड को हम मिक्स करेंगे और हम... कैमरे में मुझे बता दो ना, मैं कैमरे में हट जाऊँ ठीक है। ब्राउन और पिंक को हमने मिक्स किया और हम आँख के नीचे हल्का सा देंगे लाइन क्रिएट करेंगे हल्का सा कि वो बिल्कुल जब बेस लगाते हैं तो वो लाइन दब जाती है, तो हम इसको क्रिएट करेंगे लाइक दिस। अच्छा ये पिंक और ब्राउन तुमने ब्लेंड हाँ, मिक्स किया है और ये क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और फिरोजी कलर बुरा नहीं लग रहा, नहीं तो आंखों पे लगती है मुझे तो चुड़ैल लगती है जो लड़कियां जिनके लिए फिरोजी। एक ये कर सकते हैं और एक हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम लाइनर का ब्रश मिल जाएगा मुझे, लाइनर का ब्रश लाइनर। अच्छा ये एक लाइनर के बगैर का हो गया ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे, अगर अब हम लाइनर का करते हैं हाँ। तो वाजिद बता रहे हैं लाइनर लगाने के बाद देखिए लाइनर हमने लिया, इसे क्लोज आ जाओ ना, मैंने भी सीखना है हाँ। ये देखिए लाइनर एंड पे लगाया, लाइनर अगेन वही तरीका है। अच्छा लाइनर लगाने का जो सही तरीका ना आपको पता होना चाहिए एंगल कैसे। लोग क्या करते हैं कि जो ब्रश होते हैं वो बिल्कुल ऐसे क्या करते हैं लिटा के लगाते हैं, दिखाओ जरा ये क्लोज ऐसे करके लगाते हैं ठीक है। तो ऐसे नहीं लगाना, ब्रश का एंगल ये रखना है खड़ा ये। और आजकल इस तरह के लाइनर भी आ गए हैं जो थोड़े से बने भी इस तरह हैं कि वो खड़े करके आप लगा सकते, थोड़े से उठे हुए होते हैं बिल्कुल। ये देखें ठीक है हमने लाइनर लगाया, मैं दिखाती भी हूँ वो लाइनर ब्रश शहजादी मेरे उसमें पड़ा हुआ है देखो। अच्छा मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो मैं आपको वो लाइनर दिखाती हूँ जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो ब्रश मेरे पास है। एक मिनट वो आप कहाँ देखूँ मैं, वो आप खुद भी लगा सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ होता है। आजकल बहुत नए नए ब्रशेस भी आ गए। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर हम आकर मायरा का मेकअप कंप्लीट करते हैं। फिरोजी आँखें सफ़ेद रंग के कपड़ों पर कैसे लगेंगी ये हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आपको वाजिद खान बता रहे हैं कि वाइट कलर के ऊपर कैसा मेकअप आप कर सकते हैं। थोड़े से क्रिटिकल टेक्निकल मेकअप्स भी आप खुद कर सकते हैं। और वो जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ब्रश का जिक्र करी थी, लाइनर ब्रश वो ये है आजकल ये नया, अगर आप देख पाएँ ये लाइनर ब्रश आया हुआ है जो आप खुद भी लगा सकते हैं। वाजिद कह रहे हैं ना लिटा के ना लगाया करें, तो लिटाए बगैर अगर आप लगाएंगे तो ये खड़ा करके इस तरह लगा सकते हैं। टेढ़ा सीधा रख के और इसकी डायरेक्शन ही टेढ़ी है ये देखें आप, इसकी डायरेक्शन ही टेढ़ी है हाँ। तो ये आप खुद भी आप देख सकते हैं, जब शीशे में आप खुद लगाते हैं ना तो आप खुद भी अपने आप को लाइक देख सकते हैं मिरर में। अच्छा वाजिद आपने फिरोजी आई शेडो जो लगाया है, मैंने सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त सवाल ये है कि उस पर ब्लश ऑन कौन सा लगेगा, क्योंकि ब्लश ऑन आपको फ्रेश लुक देने के लिए होता है। हम पिंक लगाएंगे, पिंक ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, फाइन, थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे कि कलर नजर आए, फाइन। अच्छा, और पिंक लिप्स हल्का सा नाक पे भी कर लें। और अच्छा क्या होता है कि जब कंटूरिंग करते हैं तो नाक में प्लीज लाइनें ना क्रिएट करें। जब लाइनें क्रिएट कर दी है ना, हल्की सी की है, बहुत हल्की सी की है, ठीक है, जरूरत नहीं है। और हल्का सा शिमर लेके हमने उसके ऊपर लगा दिया, लाइक दिस, हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। ये आजकल शिमर भी चल रही है। हाँ, so, हमने इस तरीके से किया, नाक पे किया, हाँ, और ये हमारा मेकअप कंप्लीट है। और ये भी देखिए कि लिपस्टिक आपने फिरोजी के साथ सॉफ्ट दी, सॉफ्ट पिंक लगाई, लिपस्टिक रेड नहीं लगाएंगे, रेड नहीं लगाई। कौन कौन सी लिपस्टिक फिरोजी कलर के साथ अच्छा, नहीं लगाएंगे, रेड नहीं लगाएंगे, डार्क ब्राउन नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर फैशन शूट है तो यू कैन यूज एनी कलर, फैशन शूट को छोड़ दो। अगर हम जैसे हम नॉर्मल कहीं दावत में जाने के लिए कर रहे हैं तो आप लाइट पिंक लगाएंगे, पीच लगा सकते हैं, हल्का सा पिंक करके बीच में हल्का सा सिल्वर का टेंट दे सकते हैं, हल्का सा गोल्ड का टेंट दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब आपने कहा कि रेड लिपस्टिक फिरोजी आईशैडो के साथ नो है, डार्क ब्राउन लिपस्टिक नो है, डार्क मरून लिपस्टिक नो है, जिससे अच्छा, क्योंकि रस्ट लिपस्टिक ऑरेंज नो है क्योंकि आंखें बहुत ब्राइट हैं, आंखें बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, तो हम अगर ब्राइट बहुत सारी चीजें करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्यारी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा सब कुछ, और फिर सिर्फ शक्ल पे ही लगेगा सब कुछ, तो आप कपड़े भूल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी आंखें ब्राइट है तो लिप्स को बहुत पेल रखें, सॉफ्ट कलर के साथ रखें, क्योंकि कपड़े भी बहुत सॉफ्ट कलर के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी मायरा, तुम आओगे। अब हम देखते हैं कि साड़ी पे आ जाओ बेटा। साड़ी पे कैसा मेकअप, व्हाइट साड़ी पे कैसा मेकअप हो सकता है, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना व्हाइट साड़ी है बुड्ढे लगेंगे, सबके जहन में यही है। हालांकि व्हाइट साड़ी और खासतौर पे नेट की हो, ये इतना प्यारा बंदा लगता है कि जिसकी कोई अब सॉफ्ट लुक आती है। तो अब आप बताओ वाजिद कि व्हाइट साड़ी हो, अच्छा फाकिया की हल्की सी बेस करनी पड़ेगी, अच्छा, फाकिया के डार्क सर्कल दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब भी आप मेकअप करते हैं तो डार्क सर्कल आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। टैप कर रहे हैं हम, डार्क सर्कल छुपा रहे हैं, क्विक क्विक करके। अच्छा वाजिद, तुमने क्या सोचा है कि फाकिहा ने साड़ी पहनी हुई है व्हाइट, तुमने इसको कैसी लिपस्टिक देनी है, कैसा आई मेकअप देना है? अच्छा फाकिया के ना हम पीच करेंगे, पीच, ताकि ये यंग भी लगे। और ना साड़ी में बहुत ज्यादा ओवरडू मेकअप करने से आपकी एज ज्यादा बड़ी लगने लगती है, क्योंकि वैसे ही साड़ी पहन के आप थोड़े बड़े बड़े लगने लगते हैं, है ना। बिल्कुल, लोगों को साड़ी पहनी है तो उसके साथ हेयर डू और मेकअप दोनों सॉफ्टर होने चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि साड़ी के साथ बाल अगर खुले हुए हों तो ब्लो ड्राई होने चाहिए, आयरन होने चाहिए, या कर्ल्स होने चाहिए? इट डिपेंड, फेस अकॉर्डिंग टू फेस। अगर आपका बहुत ज्यादा राउंड मुंह है तो आप ब्लो ड्राई कर लें, और अगर बातें भी करते रहो और मेकअप भी करते रहो। हाँ, तो ब्लो ड्राई भी अच्छा लगता है, सीधे बाल भी अच्छे लगते हैं, सेंटर पार्टिंग बहुत अच्छी लगती है साड़ी पे। जो लोग बोलते हैं कि हम पे सेंटर पार्टिंग नहीं अच्छी लगती, स्ट्रेट कर लें, डेड स्ट्रेट और सेंटर पार्टिंग कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो जूड़े बना लेती हैं लड़कियां, जूड़े भी प्यारे लगते हैं। फेयरवेल पे साड़ियां पहन के जूड़े बना लिए। जूड़े बनाने तो जेल बैक करके बनाए, बिल्कुल फ्लैट जैसे आप लोग करते हैं, तो वो ज्यादा चला। मैंने ये देखा अक्सर साड़ी पे स्विस रोल जो बनाए हुए होते हैं लोगों ने, वो या तो एयर होस्टेस लगती है, ठीक है, या फिर वो कोई बड़ी उम्र की लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वो नहीं है, थोड़ी सी प्रोफेशनल मैच्योर लुक आती है। तो क्या है कि साड़ी पे अगर आप लो बन बनाए नेक पे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हम अभी मेकअप कर रहे हैं पीच पिंक, ठीक है। अच्छा, तो क्या है कि सबसे पहले हम ये, मेरे पास एक पैलेट है, हम इसमें कोई कलर जो शिमर वाला नहीं यूज कर रहे हैं, हम मैट फिनिश, मैट, ठीक है, मैट कलर ले रहे हैं। देखिए ये कलर है, सिंपल सा ये। अच्छा, ये आपकी मैट का वो है, पैलेट है, ठीक है, ठीक है, ये दो लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ नीचे देखेंगे, हल्का-हल्का सा हम इस तरीके से लगा रहे हैं। पीची पिंक मेकअप हो रहा है क्योंकि ये यंग है, यंग लड़की ने साड़ी पहनी है, और अगर एजेड खातून ने भी साड़ी पहनी तो उस पर भी सॉफ्टर अगर आप रखेंगे ना कलर, फिर साड़ी पे फिरोजी कलर का आई शेडो नहीं अच्छा लगेगा, है ना। नहीं अच्छा लगेगा वाजिद, अब यार अब बड़े लगने लगेंगे। नहीं, अगर कम लगाए तो हल्का, या फिरोजी लाइनर लगा सकते हैं। आप कलर कर सकते हैं तो आप लाइनर के साथ क्रिएट कर सकते हैं, आप 100 चीजें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पूरी लिट के अंदर देना है, आप लाइनर के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये कर लिया, ठीक है। और हल्का सा हम इनके आंखों के आगे साइड पे हल्का सा हम गोल्ड का टेंट देंगे, हल्का सा, ताकि आंखें थोड़ी सी खुल जाए, ठीक है। हल्का सा ये डल गोल्ड, कहाँ पे ये देखिए गोल्ड, हमने ये लिया, ये गोल्ड लिया, ठीक है। और ये गोल्ड हम हल्का सा आंखों, अच्छा आंख के बिल्कुल यहाँ पे हल्का अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? गोल्ड का टिंट देने से आंखें खुली भी लगेंगी थोड़ी सी, आंखें खुली। अच्छा, उसको मिक्स करना है, बिल्कुल पता ना चले कि ये गोल्ड 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 है, ठीक है। अच्छा, पीच के साथ या पिंक के साथ आप मिक्स कर दें, मर्ज मिक्स करना है इस तरीके से करके, ठीक है, इस तरीके से करके, ठीक है। ये हमने गोल्ड लगा दिया। अगेन हम लाइनर का ब्रश उठाएंगे, लाइनर लगाएंगे। अच्छा, लाइनर हमने ये लगाया ब्रश के अंदर। लाइनर आप कैसे देंगे, ब्लेंडेड या ब्लेंड करेंगे? पूरा बारीक लाइनर? नहीं, नहीं, हम ब्लेंड करेंगे और फाके, हाँ फाके, और नीचे भी हम लाइनर को लगाएंगे और उसको ब्लेंड करेंगे, आंखों के नीचे भी लाइनर हाँ लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, नीचे देखेंगे, हमने ये लाइनर लगाया, ठीक है, लाइनर लगाया, सीधी आंख बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने उस लाइनर को हमने नीचे देखिए ये ब्लेंड किया, लाइक दिस, सीधी लाइन ब्लेंड कर रहे हैं हम, कोई ऊपर नहीं जा रहे, सीधा ब्लेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, ओके। हल्का सा स्ट्रोक ऊपर देंगे ताकि कलर हल्का सा, हम आगे लाइनर अभी नहीं लगाया, हमने आधी आंख पे सिर्फ लाइनर लगाया है और उसको हमने ब्लेंड किया है। अच्छा, दिस इज समथिंग क्रिएटिव और ट्रेंडी मेकअप है ये, सही है। जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं जो इस तरीके की हैं, जो 25, 23, 24 इस तरीके की लड़कियां। अच्छा, हमने बिल्कुल लाइनर को देखें ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद हमने क्या किया, इसी लाइनर को हमने ऊपर देखिए आगे, उसी लाइनर को हमने नीचे लाइन दी, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। और हमने उसको भी ब्लेंड कर लिया इस तरीके से, ओके। तो आँख क्या होगी, मतलब आपने पूरी लाइन नहीं बनाई है, हाँ, कि काजल हाँ, लगा दिया पूरा, हाँ, आधी लाइन दी है, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। और हमने देखिए इसको ब्लेंड कर दिया। और अब वाजिद, इससे क्या होता है, आधी लाइन देने से क्या फायदा होता है, आँख कैसी लगती है? अच्छा, आधी आँख देने से, आधी लाइन देने से आँख खुली भी लगती है, ठीक है। अभी अभी हम इसमें व्हाइट पेंसिल, अभी आप बोल रहे थे आप व्हाइट पेंसिल लगाने का, तो इसके अंदर हम व्हाइट पेंसिल लगाएंगे। अगर हम पूरी आँख के ऊपर काला लगा देंगे तो वो आँख बहुत ज्यादा घुटी हुई, दबी हुई लगेगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ, अगर बहुत ज्यादा हम देखें, अब जैसे अब ये देख रहे हैं मैं फैला रहा हूँ ऊपर, देखिए हल्का सा मैंने बहुत अच्छा खासा इसको फैलाया है। अच्छा, जब भी आप मेकअप करते हैं ना तो कलर के साथ प्ले करें। अगर आप कलर के साथ प्ले नहीं करेंगे तो आपका मेकअप ऐसा लगेगा एक जगह पे रुक सा गया है, ठीक है। अगेन मैंने लाइनर का ब्रश उठाया और मैं ऊपर वाली लाइनर की जो लाइन है वो बहुत बारीक नहीं लगाऊंगा, मैं सीधी लाइन लगाऊंगा ताकि आँख आलमंड बादाम जैसी लगे। अगर मैं बारीक लाइन लगाऊंगा तो आँख छोटी लगने लगेगी, दबी हुई चाइनीज लगने लगेगी। तो मैं आँख नीचे देखेंगे भाई, और आँख खोलें, सीधी लाइन, ये देखिए मोटी लाइन, बारीक लाइन लगाने से आंख छोटी लगेगी, हाँ, और थोड़ी सी मोटी लाइन लगाने से आंख खुली भी लगेगी, खुली भी लगेगी। अब ये देखिए आंख खोलें, सी डिफरेंस आपको दोनों आंखों में नजर आएगा, क्योंकि देखिए ये वाली आंख का जो शेप है वो नीचे की तरफ जा रहा है इस तरफ से, और ये मैंने लाइनर को सीधा लगाया तो ये आंख खुल सी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, व्हाइट पेंसिल लेंगे, व्हाइट पेंसिल सिर्फ ऊपर देखेंगे, इस कॉर्नर पे हम हल्का सा व्हाइट पेंसिल को भर देंगे, लाइक दिस। अच्छा, सिर्फ उस कॉर्नर पे, ये जो आंखों के करीब में, ऐसे, ठीक है। ये हमने व्हाइट पेंसिल भर दी, हाँ। और अगेन हमें उस लाइन को हाईलाइट करना है, क्योंकि हमने लाइनर की लाइन लगाई है। सॉरी, मैंने बालों में कर दिया, अच्छा, सेम तो नहीं था, वेरी गुड। अच्छा, हमने ये किया और उसके बाद दोबारा से हम उस लाइन को सिर्फ डिफाइन करने के लिए हम हल्का सा, ये देखें ब्रश के जो एंगल होते हैं आपके, वो स्ट्रेट रखना है, खड़ा ब्रश, तो आपका ये एक आई मेकअप पूरा कंप्लीट है, ठीक है। हम हल्का सा आईब्रो के ऊपर शेड देंगे, अगेन आईब्रो हमारा मस्ट है, आईब्रो पे कलर देना बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, फाका 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 हाँ, फाकिया फाकिया जो है जंग है, तो हम बहुत ज्यादा आईब्रो में कलर नहीं देंगे, तो फाकिया के पहले ही कलर लगा हुआ है, तो हम सिर्फ उसको, आईब्रो थोड़ी मोटी मोटी भी है, हाँ, है ना? तो हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट मस्कारा, ट्रांसपेरेंट मस्कारा उसलिए होता है जिनके आईब्रो के बाल गिरे हुए होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ होते हैं और नहीं संभल रहे होते, तो ये कलर के बगैर मस्कारा है और उससे हम सिर्फ शेप के लिए यूज करेंगे। सी इस तरीके से हम उसको शेप के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो हमारा ये एक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। और फाका का फेस, फाकिया का जो फेस है वो बहुत पतला है, तो हम उसमें सिर्फ जो ब्लशर लगाएंगे, हमने ये अगेन पिंक ब्लशर लिया, पिंक लिया और हल्का सा इसके अंदर वो मैट फिनिश था और ये हल्का सा शिमरी पिंक है, पीच, ठीक है, पीच, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्माइल हल्का सा, सिर्फ हाँ, और सिर्फ स्माइल करके हम चीक्स पे कलर दे रहे हैं, हम कोई कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे, ये देखिए। हाँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ, हाईलाइट करना है। अच्छा। हाईलाइट के मतलब होते हैं कि अपने एरियाज को हाईलाइट करना ताकि वो आपकी फीचर्स पता चले। हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि भर के शिमर, शिमर इज समथिंग डिफरेंट, हाईलाइटर इज डिफरेंट। शिमर अच्छा। जो होता है वो पूरे फेस पे कर सकते हैं। अच्छा। और हाईलाइट जो होता है वो अपनी आपकी चीजों को हाईलाइट करने के होता है, जो आपकी बोन्स होती है उनको हाईलाइट करने के लिए होता है, ठीक है। शिमर जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, अपने फेस पे ऐसी जगहों पे लगा ले जो आप हाईलाइट नहीं करना चाहते, यानी कि गल्लों पे लगा ले। देखिए ये होता है शिमर, ये होता है शिमर, ठीक है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये होता है शिमर, ठीक है, जो नेक पे लगाते हैं, हल्का सा फेस पे लगा देते हैं, हल्का सा चीक्स पे भी। और ये होता है हाईलाइटर जो आपकी इस जैसे अब ये हड्डी है इसको हाईलाइट करे, ये किया, ठीक है। नाक पे हमने सेंटर में लगा दिया तो नाक हाईलाइट। जरूरी नहीं है कि हम पूरी पूरी कंटूरिंग करें, हम सिर्फ सेंटर पे से अगर हाईलाइट कर देंगे तो भी खड़ी लगने लगेगी। हमने साइडों पे कलर नहीं लगाया, कंटूर किया ही नहीं, हाँ कंटूर किया नहीं, बट हमने सेंटर में ये हाईलाइट किया है तो ये चीज हाईलाइट हो गई है। अगेन उसी तरीके से हम चिन पे करेंगे, हल्का कंटूर, हल्का सा कंटूर करें, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं, अभी जैसे मैंने चीक पे ब्लशर दिया है, हाँ। तो पता चल रहा है कि हाँ जी यहाँ पे चीक है, यहाँ पे गाल है, हाँ। तो जब आप बेस लगाते हैं तो वो खाली कैनवस की तरह हो जाता है कि आप कहीं पे भी लाइन क्रिएट करके आप फीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो हल्का सा हम इस तरीके से यहाँ पे चिन पे ना, चिन हल्का सा जॉ लाइन पे हम हल्का सा कलर दे रहे हैं ताकि पता चले, ओके जॉ लाइन पे हल्का सा कलर दे रहे हैं और चिन पे हल्का सा दे रहे हैं ताकि शेप पता चल जाए। ऐसा ना हो कि पूरा सफेद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वाजिद, लिपस्टिक तुम इसके साथ कौन सी दोगी? अच्छा लिपस्टिक हम देंगे पीच, लिपस्टिक हम पीच देंगे, सॉफ्ट कलर की। आई मेकअप भी लाइट है और लिपस्टिक, हाँ आई मेकअप इतना भी लाइट नहीं है। नहीं नहीं, कहने का मकसद है कि वो भी पीची पीच की फैमिली से है और वो पीची पिंक है और लिप ब्रश। अच्छा कौन कौन से लिपस्टिक के कलर्स हम दे सकते हैं इस आई मेकअप के साथ? अच्छा इस आई मेकअप के साथ डार्क दे सकते हैं, डार्क दे सकते हैं, डार्क दे सकते हैं क्योंकि आई मेकअप बहुत सॉफ्ट हुआ, ठीक है, आई मेकअप सॉफ्ट हुआ है। अच्छा क्या है, लेकिन हम इस लड़की ने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी से वैसे ही आप मैच्योर लगते हैं, उसके साथ आप डार्क लिपस्टिक दें तो वो उतना शायद मज़ेदार लुक नहीं आएगा। हाँ। और मैं तो कहती हूँ वो सारी ख़वातीन भी जो साड़ियाँ पहनती हैं वो भी लाइट लिपस्टिक का इंतखाब करें, खासतौर पर गर्मियाँ आएँ, थोड़ा सा डार्क कॉन्टोर करके लिप्स की जो आजकल चली भी ना, नहीं यहाँ कॉर्नर्स जो होते हैं वो डार्क होते हैं और बीच में आप लाइट फिल कर रहे होते हैं, उसको ब्लेंड करें। अच्छा ये देखिए हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप ये जो सारे कपड़े देख रहे हैं ये सब जो है यहाँ पे दिखाएंगे आपके, हमारी मॉडल्स ने पहने हुए, इनका भी मेकअप सबका हुआ नहीं है, लेकिन ये सब सईदा मीरा के हैं। और जो हमारी ज्वेलरी है वो अबू रोहान की है। यहाँ अबू रोहान साहब भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में है जी। वाइट कपड़ों के साथ ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए ये हम अबू रोहान साहब से भी अभी पूछेंगे थोड़ी देर बाद। मेकअप हो रहा है। साड़ी पे अबू रोहान साहब आपको क्या लगता है कि साड़ी पे क्या क्या ज्वेलरी चल सकती है? देखिए साड़ी पर, साड़ी जो है और सफ़ेद रंग, हाँ ये दो चीज़ें जो है ना ये तो क्वीन लाइक है। हाँ और चोकर जो है गुलूबंद, जिसे गुलूबंद आपको लगता है साड़ी पे अच्छा लग सकता है? और किस तरह के हार अच्छे लग सकते हैं? वो सेट होता है और माशाल्लाह जैसे बच्चियाँ बैठी हैं इनकी टॉल नेक है, हाँ। ऐसी बच्चियों को, ख्वातीन को चोकर जस्ट डू द जॉब। अच्छा साड़ी के ऊपर वो माला जो है वो कैसी लगती है? वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है। तो मालाएं आपके पास किस किस तरह की हैं? मालाएं तो हमारे पास जो है ख्वातीन अपने ड्रेस लेके आती हैं। अच्छा हमारे पास हर किस्म के बीट्स होते हैं। अच्छा आप उससे बना लेते हैं? उसके साथ उनके नेक लाइंस, किसी का शोल्डर लाइन टू हार्ट लाइन, हाँ जो है वो नाप का बड़ा मसला होता है। अच्छा तो वो आप जो है कस्टमाइज बनाते हैं नाप के हिसाब से, किससे कितनी बड़ी माला बनानी है? ऑब्वियसली। अच्छा माला बेसिकली कहाँ तक होनी चाहिए? यहाँ हार्ट लाइन, हार्ट लाइन जस्ट हार्ट लाइन इधर तक। और अगर कोई कहे मुझे यहाँ ये महारानी टाइप लंबी यहाँ तक भी पहननी है तो चलेगी? देखें लड़े जो हैं वो ये तो यहाँ तक होते हैं। आपने बहुत वैलिड बात की है जी। अच्छा अर्ज ये करना चाहूँगा कि अगर छोटे कद की खातून है जी जी और उन्होंने ज़्यादा ब्लो हार्ट लाइन माला पहनी है तो वो बैलेंस नहीं करे, अच्छा नहीं लगेगा। तो अकॉर्डिंग टॉल जो लड़कियाँ हैं वो आप कह रहे हैं कि वो माला पहन सकती हैं लंबी, एग्जैक्टली है ना, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। मायरा की ज्वेलरी क्या होगी? मायरा अभी ज़रा बाल बनवा लें, मैं कहाँ हूँ यहाँ हूँ, हाँ मायरा की ज्वेलरी क्या होगी? ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि मायरा के कपड़ों के साथ बेल बॉटम पहना हुआ है, इन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं उसके साथ कैसी ज्वेलरी चाहेगी, साड़ी फाकेहा की ज्वेलरी कैसी होगी, साड़ी के साथ किस तरह के बाल बनेंगे, मेकअप हम आपको बता चुके हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी आके दिखाएंगे और उसके बाद फिर अगली मॉडल होगी, उसके ऊपर वाइट कपड़ों के ऊपर क्या मेकअप होगा, क्या कट है, ये सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद वाजिद खान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नई मॉडल आ गई है और इसका मेकअप मैं करने वाली हूँ, सही है वाजिद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं नहीं करी मेकअप। जो फाकिहा है, फाकिहा के बाल बन रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं तीसरी मॉडल के ऊपर। पहले खड़े होके कपड़े दिखाओ। सईदा मीरा के इन्होंने जोड़ा पहना हुआ है, रिया हमारे साथ हैं और रिया ने गाउन पहना हुआ है। आजकल बड़ा चल रहा है ये, ऊपर से लेकर नीचे तक सिंगल पीस गाउन होता है और आजकल लोग बहुत पहन रहे होते हैं। शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, लंबे गाउन्स भी चल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आपने बहुत प्यारा जोड़ा पहना। आपका जोड़ा किसका? मेरा जोड़ा टीना दुरानी का है। वेरी नाइस। बेल बॉटम है, आगे से कपड़ी है, पीछे से बेल बॉटम है। वेरी नाइस। अच्छा, आप रिया का मेकअप करेंगे? जी। अच्छा, रिया का जब मेकअप करेंगे तो आप क्यों हंस रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि आप भी एक आंख पे उठा लें। हाँ। मैं चाहता हूँ कि कोई आप मेरे साथ करें। आप निशा का जो मेकअप मैं आपको बताया आप करें। मैं होस्टिंग, जिसका काम उसी को सांझे। अगर मैं कहूँ कि मैं मेकअप करूँ और आप संभाल लें, बहुत मुश्किल है ये काम में बोलना। हीरा का बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आता, ठीक है। अच्छा, रिया की देखिये, रिया के ऊपर जो मैं मेकअप बताने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को फैसिनेट करता है, बहुत ज्यादा ग्लिटरी मेकअप है। हाँ। तो सबसे पहले हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम एक लाइन क्रिएट करेंगे और उस लाइन को हम लाइनर का ब्रश लिया। अगेन सिर्फ हमने अभी लाइनर का ब्रश लिया, हमने बेस पहले रिया की लगा दी हुई है, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं और जो लोगों ने चैनल अभी स्विच किया तो रुक जाए प्लीज, ये चीज देख लें, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ओह ओह, हाथ काले जब तक ना हो तो आपका मेकअप का बिल्कुल मजा नहीं आता। बस हाथ काले हो, मुंह काला नहीं होता। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन। हाँ, ये मुझे भी सीखना है, तो मैं तो अपना ये मॉनिटर है ना उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हूँ। जब लॉन्ग कट करो तो बता देना मुझे ताकि अजीब लगती है मैं किधर देख रही हूँ। ये हमने एक लाइन क्रिएट की, ठीक है। ये देखें, थोड़ा दूसरा कैमरा कट हो सकता है ताकि हम देख सकें। ये देखिए, हमने लाइन वाला ये, ठीक है। अभी हाँ। हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है ये, ठीक है, ठीक है। हाँ। ये हमने लाइन ड्रॉ की और उस लाइन को हम एक पिंक, ये मैट फिनिश पिंक कलर है, सही है? हाँ। उस पिंक के साथ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ओके, नीचे देखिए अब जरा दोबारा। हाँ, ये देखिए लाइक दिस। और ऊपर डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक है मैं। हाँ, ये एक दफा दोबारा ब्लेंड करना, जरा हम दोबारा से देखेंगे कि आप किस डायरेक्शन में ब्लेंड कर रहे हो। अच्छा, हाँ। जो लाइन है, लाइन को हमने ऊपर डायरेक्शन में निकालना है कलर, ये देखिए लाइक दिस, ऊपर की तरफ निकालना है। ओके, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके लाइक दिस, पूरी आंख पे। हाँ, पूरी आंख पे नहीं, हाँ सॉकेट कहते हैं। और उस लाइन को ही ब्लेंड करना है, ठीक है। नीचे नहीं लाना, उसी लाइन को ऊपर की तरफ ब्लेंड करना लाइक दिस, बाहर निकालना लाइक इस तरीके से। ओके, ये देखिए, ठीक है लाइक दिस। कॉर्नर से भी थोड़ा सा बाहर निकालना। हाँ, हल्का हल्का सा बाहर निकालना है। हाँ। और इसको ब्लेंड करना लाइक ऐसे, ठीक है, ठीक है ब्लेंड। अच्छा, नीचे जो लाइन का वो दिख रहा है उसको दिखने दें क्योंकि उसका स्टाइल ही यही है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि नीचे से तो छेड़ना ही नहीं है। हाँ, नीचे से लाइन को ब्लेंड करना ही नहीं है, वो जो दिख रहा है वो रहने दें। हाँ, ठीक है, हमने उसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कलर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने और पिंक लिया, हाँ पिंक लिया। हाँ, और हम इसके अंदर और कलर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड अगर हमें उस लाइन को और डार्क करना है तो वी कैन यूज डार्क ब्राउन कलर। ये डार्क ब्राउन कलर आप ले लें हल्का सा और उस लाइन को फिर से ब्लेंड करें लाइक दिस, ये देखें। हाँ, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये हो गई ब्लेंडिंग। ओके, हमने लाइन को ब्लेंड किया, ठीक है। हाँ, और उसको कलर को पूरा ऊपर से ऐसे फैला देना है, ठीक है लाइक दिस। हाँ, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये गम है, ठीक है। अच्छा, वी हैव वो है, कौन सी गम है हमारे पास, वो है सीलर। सीलर, 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 ओके। अच्छा, ये सीलर है, ठीक है। सीलर क्या होता है? सीलर ग्लिटर को सील करने के लिए है, ग्लिटर को चिपकाने के लिए, चिपकाने के लिए है ग्लिटर को। आपने यूजुअली लोग क्या करते हैं, आँख के ऊपर पहले सीलर लगा देते हैं, या जैसे मेरे पास ये, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये आप मिलेगा नहीं यहाँ पे, ये क्रीम जो है, ठीक है। और अगर नहीं, और ये ना सीलर ना मिले, ये ना मिले, तो हमारी एक बड़ी लोकल कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, आराम से वो जेल उसका मिल जाता है, तो आप उससे लगा सकते हैं, आपको दुकानों पर आराम से मिल जाएगा। क्या कहेंगे हम, क्या ग्लिटर लगाने का जो जेल होता है, ग्लिटर चिपकाने का जेल कौन सा होता है? क्रिस्टीन का, क्रिस्टीन का, क्रिस्टीन का। इसलिए बता रहे हैं कि भाई मेरी पब्लिक की हेल्प हो जाए, मेरे महके वालों की। हमने क्या किया, ये सीलर को हमने ये लिया, हमने ड्रॉप गिराए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सीलर मिल जाता है पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में। हमने क्या किया, ये ब्रश के अंदर ये सिल्वर मुझे चाहिए, सिल्वर सिल्वर, ओके। हमने ये लिया, ब्रश में लिया, ठीक है, इस तरीके से ब्रश में लिया, और सिल्वर, हाँ सिल्वर ग्लिटर हमने हल्का सा, अच्छा पहले आपने ब्रश में डाला, आंख पे आपने सीलर नहीं लगाया, सीलर पे नहीं लगाया, हाथ पे आपने ग्लिटर डाला, और हमने ये लिया लाइक दिस, हाँ हाथ नीचे करो थोड़ा सा, हाँ, और दूसरी तरफ से ले कैमरा, हाँ इस तरीके से हमने पूरी आंख पे हमने, उफ कितना प्यारा लग रहा है। ये गिरेगा नहीं, ये सील हो जाएगा, हाँ ये सील हो जाएगा। और ये जो तुम लगा रहे हो ग्लिटर, ये कौन सी ग्लिटर है? ये नॉर्मल ग्लिटर है हमारे। मतलब नॉर्मल ग्लिटर अगर खरीदने जाए तो क्या कहेंगे, कौन सी ग्लिटर चाहिए? अच्छा अच्छा, पिगमेंट और ग्लिटर है, हाँ डिस्को कहेंगे, जो पुराने जमाने में यहाँ लगाया करते थे, हाँ देखिए ये, अच्छा अभी बनी रखिएगा सही। अच्छा ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या पिगमेंट्स होते हैं? ये सिर्फ पिगमेंट्स है, सही है, जो हल्का सा टिंट दे देते हैं, और ये ग्लिटर है। पिगमेंट जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। एक मिनट रुके जी, हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ग्लिटर में, और खोल के दो ना ये ग्लिटर में, निकालो जरा हाथ पे, मेरे हाथ पे लगाओ, मैं क्योंकि हाथ नीचे करूंगी डायरेक्शन के हिसाब से, हाँ ग्लिटर में और टिंट में, हाँ, टिंट कहते हैं, हाँ, पिगमेंट में क्या फर्क होता है? हाँ। ये ओके, अच्छा अब बताओ क्या फर्क होता है? ओके हाँ मुझे बताएं भाई, हाथ कैसे रखो तो आप लोगों को नजर। ओके ग्लिटर जो होती है वो मोटी होती है, सही है, हाँ वो विजिबल होती है। जो टिंट होता है वो देखिए वो ब्लेंड हो जाता है स्किन के साथ। अच्छा स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है, और वो सिर्फ स्पार्क करता है, सिर्फ शाइन देता है, अच्छा चमक देता है। जो डिस्को होती है एज यू कैन सी, वो नजर आता है कि लगा हुआ है पूरा, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा क्या करना है, लाइनर का ब्रश उठाया, लाइनर का ब्रश उठाया हमने, और उस लाइनर को हमने कंप्लीट करना लाइक। अब आप देखिए कि वाजिद ने इस ग्लिटर के नीचे कोई आई शेडो नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, वो आंख खाली छोड़ी हुई है, सिर्फ हल्की सी बेस की थी ना तुमने आंख के ऊपर, हल्की सी बेस, हल्की सी। और जो मुझे लग रहा है उससे फायदा ये है कि इसके ऊपर लाइनें नहीं बनेंगी। अगर आपने आई शेडो भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर ग्लिटर भी लगा दे, तो वो एक बुढ़ापे वाली लाइनें बनना शुरू हो जाती। बिल्कुल, ये देखें, हाँ लाइनर लगा रहे हैं हम, बारीक सा लाइनर लगा, हाँ, थोड़ा बारीक नहीं, वही जो हमारा एक स्टाइल है, हाँ जो तरीका का है। वाह, एंड यू कैन क्रिएट थोड़ा सा लंबा लाइनर, अच्छा थोड़ा सा लंबा लाइनर इसके साथ, हाँ, लगा सकते हैं आंखों में, क्योंकि आंखों में डेप्थ भी आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। अगेन हम हल्का सा सिर्फ आईब्रो में कलर देंगे, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे कलर देंगे, और जो ट्रांसपेरेंट मस्कारा है, हाँ, उसके साथ हम आईब्रो को शेप दे देंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ इस तरीके से करके हमने शेप दे दिया। और उसके बाद हल्का सा हम पाउडर करेंगे, यानी कि व्हाइट पर सिल्वर मेकअप भी बहुत प्यारा लगता है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये देखिए। अच्छा क्या है कि अब देखिए वो जो लाइन हमने बनाई थी वो लाइन ब्लेंड हो गई है ग्लिटर के साथ, हाँ, वो दिख भी नहीं रही है, हाँ दिखाएं जरा क्लोज जाए, लेकिन एक डेप्थ आ रही है, हाँ। अच्छा वाजिद, इसके साथ तुम लिपस्टिक्स क्या क्या दे सकते हो? ग्लिटर तुमने अगर लगाई है तो लिपस्टिक इसके साथ हम रेड दे सकते हैं, रेड अच्छी, हाँ, लगेगी, रेड अच्छी लगेगी, इसके साथ सब कुछ, इसके साथ ऑरेंज अच्छी लगेगी, भी लाउड होगी, और हाँ, वो अच्छा लगेगी। देखिए क्योंकि आंख उस तरीके से लाउड है कि डार्क नहीं है, अच्छा शिमर देके हमने लाउड किया, तो यू कैन यूज एनी कलर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये काला हमने करके डार्क नहीं किया, या हमने किसी कलर के साथ नहीं किया, ये कलर लेस है, अच्छा। तो आप इसके साथ रेड लगा सकते हैं, इसके साथ आप कौन सी लिपस्टिक आपको लगता है कि मर जाएगी इसके साथ? लाइट पिंक, या पीच? नहीं, सब अच्छी लगेगी, सब अच्छी लगेगी, सब अच्छी लगेगी। अभी अगर मैं नीचे लोअर लिप पे हल्का सा पीच कलर लगाऊं वो भी अच्छी लगेगी, ऊपर डार्क रेड लगा दूं, एक रेड जो होता है वो भी प्यारा लगेगा, टेराकोटा जो कलर होता है वो भी बहुत प्यारा लगेगा। रेड लगा के रेड लगाएंगे, ठीक है, मेकअप हो जाएगा, सही है। और रिया का अगेन हल्का सा सिर्फ कलर याद रखें, जब भी आप ब्लशर लगाते हैं तो कलर फेस पे दें, ब्लशर थोड़ा सा लाउड करें क्योंकि फेस पे जब आपके कलर होता है तो आप फ्रेश लगते हैं। स्माइल कोई मैं कंटूरिंग नहीं कर रहा, मेरा भी मानना है, मैं मुझे बहुत शौक है कोई और मेकअप हो या हो, मैं अपने गाल जरूर लाल करती हूँ, तो फ्रेश लुक आती है वाकई, ठीक है। अगेन हम आँख को नीचे ऑफकोर्स हमें डिफाइन करना है, हमें लाइन को डिफाइन करना है, तो हल्का सा हम ब्राउन के साथ पीच के साथ हम उस लाइन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए ये वाला कलर है, ये तो रुकेगा नहीं, तो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, ये पीच कलर है, इसके साथ हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, डिफाइन करने के बाद हल्का सा हम लाइनर का अगेन सीधा ब्रश रख के बिल्कुल हमें इस तरीके से सिर्फ लाइन को हाईलाइट करना है कि यहाँ पे लैश का बस हल्का सा ये लाइनर का वो ब्रश जिसमें तुमने लाइनर लगाया भी नहीं है, ये वो ही हल्का सा जो लगा हुआ था पहले। अच्छा, मस्कारा करेंगे, ठीक है, मस्कारा करेंगे। आज वाजिद साहब बहुत फॉर्म में हैं, बड़े प्यारे मेकअप के आज वाजिद, खैरियत तो है? तारिक रोड का सैलून खुलने के बाद बहुत एक जबरदस्त फॉर्म आ गई है वाजिद में। हाँ, पता है क्या, प्लीज तारिक रोड वाले सैलून की वजह मुझे बहुत ज्यादा काम की आदत नहीं है, लेकिन जब अगर मैं काम खड़े होता हूँ करने के लिए तो फिर मुझे मजा आता है, हो जाता है। तो क्या है कि क्रिएटिविटी खुद से आने लगती है, तो ये। अच्छा, ज्वेलरी का आप पूछ लेंगे, ज्वेलरी बना दें पहले, फिर दूसरा मेकअप हम कर लेंगे, ज्वेलरी ढूंढने। बिल्कुल, आओ भाई दोनों आओ, साड़ी वाली भी आ जाए और तुम जब तक रेड लिपस्टिक लगाओ। रेड लिपस्टिक, मैं ज्वेलरी की तरफ जाती हूँ। रेड लिपस्टिक कोई और भी लगा सकती है लड़की, तुम आ जाओ उधर ज्वेलरी की तरफ। मोना डार्लिंग, तुम रेड लिपस्टिक लगाओ, और हम जो है वो देख रहे हैं कि कौन सी ज्वेलरी, अबू रोहान की कौन सी ज्वेलरी जो है वो जचती है इन लड़कियों साड़ी पे। लड़कियों तुम इधर आ जाओ ना, ताकि हाँ। अच्छा, और बेल बॉटम पैंट्स जो पहन रही हैं माशाल्लाह, हाँ, इसमें जो स्टोन है वो ओपल है, ओपल, और ये ओपल देखें इनके लिबास में भी कितना जा रहा है, और इसमें फायर जो है वो इनके मेकअप से भी ब्लेंड कर रहा है, तो इसमें जैसे शोला होता है ना, जी 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 जी, वो ओपल के अंदर होता है, ओपल। तो दिस इज एक परफेक्ट ब्लेंड। खाली बूंदे पहना है क्योंकि फॉर्मल है, फॉर्मल है, थोड़ा मॉडर्न है। बेल बॉटम से आपके आपके फॉर्मल कपड़े भी थोड़ा मॉडर्न लुक देने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी ईस्टर्न, ज़ाहिर है हमारे तो ये ईस्टर्न कपड़े हैं, लेकिन बेल बॉटम से आप एक थोड़े मॉडर्न लुक आ जाता है। तो ये खाली बूंदे पहन रही है, ठीक है। अच्छा, आप मायरा तुम इस तरफ आ जाओ। फातिहा जो है, अब उसका देखते हैं कि ये साड़ी के ऊपर क्या, इसके बाल देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं, हल्के से कर्ल्स, लूज कर्ल्स, ब्लो ड्राई टाइप इफेक्ट है। फातिहा को आप पहना दें, थोड़ा सा कलर देते हैं बुंदों में, जैसे पिंक शेड है, ये रूबी है, रूबी जी रूबी है, और ये इनके माशाल्लाह जो इनका मेकअप है उसमें भी ये ब्लेंड कर रहा है। दिखाएं ये वाला पिंक है, ये लो पहन लो फातिहा, छोटे छोटे बुंदे साड़ी पे, ज्यादा बड़े बड़े ज्वेलरी ना पहने, पक्की आंटी उम्र की लगेंगी, इसलिए पक्की उम्र की लगेंगी सीरियसली। छोटे या तो गले में भी पहना दें इनको, गले में भी पहना दें, बुंदे पहन लें, ये हल्का सा गले में भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है साड़ी पे लटकने वाले ज्वेलरी नहीं अच्छी लगती वाजिद। हाँ नहीं, लेकिन छोटी है ना तो अच्छी लगेगी, छोटी है तो अच्छी लगेगी, लेकिन जो बड़ी उम्र की खवातीन है वो पर्ल्स पहने, टॉप्स पहने, और ये गले में पहना दें। मायरा जरा हेल्प कर दे अपनी फ्रेंड की आप। हाँ, वेरी गुड। छोटे छोटे देखिए ज्वेलरी है, लास्ट में लगाइए, ये देखिए बहुत अच्छा। अब घड़ी उतार दें तो ज्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, घड़ी साड़ी के साथ घड़ी नहीं पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, वो थोड़ी सी ऑफिस लुक आ जाती है, मॉडर्न लुक आ जाती है। चूड़ियाँ साड़ी के साथ चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, हाँ, मैचिंग का नील कलर अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तुम दिखाओ जरा भाई कैसे लग रहे हो, तुम लोग तैयार हो, तुम फुली तौर पर तैयार हो इस चीज में। एक पॉइंट ये है, ये जो स्लिम नेक में जो पॉइंटेड ज्वेलरी है, जी जी, वो आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें याद कदे के वो दो बाब हैं, आंखें उनको कहूँ या कहूँ आप हैं, आंखें सुमगी छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के गाउन के ऊपर जो ग्लिटरी सिल्वर मेकअप किया रेड लिपस्टिक के साथ वो कैसा लगता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज वाजिद खान हमें बता रहे हैं कि सफेद रंग खूबसूरत लग सकते हैं। आप सफ़ेद रंग को पहनकर जब भी आपने किसी पार्टी पे जाना हो किस तरह का मेकअप आप कैरी कर सकते हैं उसके साथ वाजिद आज हमें बता चुके हैं। एक लुक वाजिद ने बताया फिरोजी मेकअप के साथ, एक लुक वाजिद ने बताया पीच सॉफ्ट मेकअप के साथ और एक लुक ग्लिटरी शिमरी सिल्वर मेकअप के साथ विद रेड लिपस्टिक। तीन लुक्स अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम आपको दिखाने वाले शरारे। सफ़ेद शरारे में खड़ी होकर दिखाओ ना जरा तो प्यारा जोड़ा। सईदा अमीरा का इतना प्यारा खूबसूरत जोड़ा है, जरा वो दिखाइए अन्नू भाई। हाँ निसा है हमारे साथ। निसा ने पहना है शरारा सफ़ेद रंग का जिसपे सिल्वर नग्स लगे हुए हैं। और निसा के कैसे मेकअप करेंगे वाजिद जी? एक्सप्लेन वाजिद। अच्छा निसा का मैंने सोचा था कि स्मोकी आइज करूंगा बट निसा की कंप्लेन होती कि वाजिद तुम हमेशा मेरे कालियां के कर देते हो। अब निसा हम क्या करें भाई, इत्तेफाक हो गया। हाँ तो क्या है कि लेकिन अभी हम निसा की स्मोकी आइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं कर रहे, हम डिफरेंट मेकअप करेंगे। तो फिर स्मोकी किसकी करोगे? हम स्मोकी करें। करो ना यार, स्मोकी तो हिट मेकअप है। अच्छा फिर हम रेड के साथ स्मोकी करेंगे। मतलब रेड के साथ? हाँ रेड के साथ ठीक है। रेड लिपस्टिक के साथ? नो 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 रेड आईशैडो के साथ हम कलर के साथ करेंगे ठीक है। अच्छा ठीक है सही है। अरे यार ये तो बड़ा डिफरेंट है रेड के साथ। कुछ चुड़ैल तो नहीं बन जाएंगे? नहीं 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 देखिए ये रेड कलर है ठीक है, सॉलिड रेड कलर है सही है। वाजिद तुम मुझे डरा रहे हो। ये सॉलिड रेड कलर है मैंने देखिए ब्रश पे ले लिया ठीक है ठीक है। क्रिएटिव मेकअप का मूड है भाई का। देखिए हमने सॉलिड रेड कलर हमने लिड के ऊपर लगा दिया लाइक दिस। फुल भाई वाजिद मैं एक महीने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ क्लास लेने के लिए। देखिए और हाँ फिर मैं भी तारीफ रोड पे सैलून खोलूंगी निदास सैलून है ना। हाँ देखिए रेड मैंने कलर लगा दिया ठीक है। और उस रेड कलर को मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगा। सिर्फ वो जो ये जो सॉकेट लाइन है ये आप ये देख सकते हैं सॉकेट लाइन है उसको मैं हल्का हल्का सा बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। सही है हल्का हल्का सा ये ठीक है ठीक है। हल्का हल्का सा मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ लाइक दिस हल्का हल्का सा ठीक है। अंदर की तरफ तुम डाल रहे हो? हाँ, हाँ लेकिन वो जा रहा बाहरी की तरफ है क्योंकि मेरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। अच्छा मतलब वो ब्रश थोड़ा मोटा लिया ना तो इस तरीके से सही है। उसको हमने ब्लेंड कर दिया सही है। ये सॉलिड रेड कलर है। अब हम थिक लाइनर लगाएंगे ठीक है। और थिक लाइनर से फिर तुम स्मोकी रेड के साथ मर्ज करो। हाँ उसको रेड करेंगे और लेकिन हम इसमें हल्का सा शिमर ऐड करेंगे सही है। शिमर भी ऐड? हाँ शिमर ऐड करेंगे। ये देखिए थिक लाइनर हमने लगाया। ये देखिए ज़ख्मी मेकअप। हाँ ये देखिए। और आँख को हम थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। आँख को लंबा लाइनर के थ्रू कर रहे हैं? लाइनर के थ्रू कर रहे हैं ठीक है। अच्छा जब भी आपने आँख को लंबा करना है तो आँख को आपको ऐसे खींचना नहीं है ठीक है। अच्छा। अगर आप खींचते हैं इस तरीके से आप देखिए इस तरीके से अगर खींचेंगे और जब छोड़ते हैं तो देखिए शेप चेंज हो जाता है। तो जब भी आपने लाइनर लगाना है और आँख को बड़ा दिखाना है तो आपने इस तरीके से पकड़ना है ऊपर। हाँ इस तरीके से पकड़ना है ताकि आपको शेप पता चले कि आप शेप क्या क्रिएट कर रहे हैं। सारी चीजें आपकी मेकअप के अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी होती है आपके ब्रशेस के स्ट्रोक्स होते हैं आपके एंगल्स होते हैं। अगर आपने एक एंगल गलत किया तो आपकी आँखें भेंगी भी लग सकती है ठीक है। तो ये have to be careful कि जो आप अब मैं बार-बार डायरेक्शन के ऊपर इसलिए बात देखें मेकअप एक ही तरीके के होते हैं। सिर्फ आपको अपना क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है ठीक है। अगर मैं यूं करके खींच के लगाऊंगा और मैं छोड़ूंगा तो क्या पता वो आंख लाइनर की लाइन नीचे भी जा सकती है तो आंख ड्रूपी भी लग सकती है। और अगर मैं ऊपर करके लगाऊंगा तो फॉर श्योर आपकी आंख की लाइन जो है वो ऊपर जा सकती है बट नीचे नहीं आएगी, सीधी हो सकती है आपकी आंख ठीक है। उसके बाद हमने लाइनर को इस तरीके से हल्का सा बाहर की तरफ अगेन मैंने ये बड़ा ब्रश लिया कलर जिसमें मैंने लगाया था। सही है मैंने कलर लगाया उसके बाद मैंने उस रेड कलर को ब्लेंड किया लाइक दिस, ऐसे ये देखिए। अच्छा हाँ ये देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ इस रेड को। हाँ तो अब देखिएगा जो रेड और ये ब्लैक मिक्स होगा हाँ। तो एक बहुत अच्छी सी ऊपर ट्रेंड बनेगी ब्राउन सी। अच्छा पूरा रेड जो है तुमने उसको ब्लैक के साथ पूरा ब्लेंड कर दिया, मर्ज कर दिया हाँ। तो वो इतना रेड भी नहीं रहा, वो एक ब्रॉन्जी ब्रॉन्जी कुछ हो गया हाँ, ये। और आंखों पे हम बेसिकली हमने 3 शेड लगाए हैं बिल्कुल। वैसे तो ब्लैक और रेड लगाया है मगर ब्राउनिश ग्रेश रेडिश मरूनिश। ये देखिए अब ये टेंट बनना शुरू हो गई थी। अब उस लाइन को हम ब्लेंड करने लाइक दिस। अच्छा सिंपल। तो मैं इसमें ब्लेंडिंग के लिए कौन सा शेड इस्तेमाल कर रहे हो? कोई भी नहीं, खाली ब्रश है, रेड और उसको हमने ब्लेंड करना, रेड और ब्लैक को ब्लेंड हाँ। ब्लेंड कर सी ये देखिए। मुझे तो लगता है अब हमारे कैमरामैन जो हैं वो भी अपनी बिग माथ का मेकअप कर सकते हैं, उनको इतना सीख गए ना शूट कर करके ना। ध्यान से शूटिंग तो करनी पड़ती है आप लोगों को, नहीं? हल्का सा हम हाईलाइट करेंगे हाँ इस तरीके से करके, सही हल्का सा हाईलाइट। अच्छा हाइलाइटर का शेड जो लिया है वो दिखाओगे जरा? ये है। अच्छा बिल्कुल वाइट नहीं है, ये डल गोल्ड सा है, हल्का सा पर्ल पर्लिश पर्ल कलर है हाँ, तो मैंने ये लिया हाँ। और मैंने लगा दिया इस तरीके से करके। अगेन उसके बाद जब सॉकेट लाइन और हाईलाइट के बीच का जो गैप होता है उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए विजिबल हो रहा है ठीक हाँ। है, पता चल रहा है कि मैंने लगा के रख दिया है, तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। सी लाइक दिस, उसको आपने इस तरीके से सॉफ्टली ब्लेंड करना लाइक दिस। सी लगा भी है और नहीं भी, तो अब वो ब्लेंड हो गया है। अच्छा ठीक है हाँ। ये ब्लेंड हो गया, सही है। उसके बाद क्या है कि हल्का सा हम शिमर लेंगे, हल्का अच्छा, सा शिमर भी लगाओगे तो? यस पिगमेंट हल्की सी पिगमेंट लेंगे, सही है। ये हम लेंगे हल्की सी फिरोजी रंग की पिगमेंट जो भी दिखाया था हमने, सही हल्का सा ठीक है, हल्की सी हम पिगमेंट लेंगे। अच्छा इस पिगमेंट को हम कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इस पिगमेंट को हम अपनी क्रीम के साथ लगाएंगे। ये हमने थोड़ी सी क्रीम ली हाँ ठीक है, मैंने हल्की सी कोई भी क्रीम नहीं ये खास हाँ वही जो मैंने आपको बताया था वो जेल क्रीम है। और ये देखिए मैंने हल्का हल्का से ऐसे। अच्छा अगर हम बगैर क्रीम के लगा लें ऐसे ही पिगमेंट तो क्या होगा, वो रहेगी नहीं? अच्छा गिर जाएगी। हाँ गिर जाएगी, हल्का हल्का सा किया। उसके बाद क्या है कि मैंने ब्रश लिया, ब्रश हल्का सा हाथ पे ले लूंगा मैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद बल्कि हाथ से ही लगा देता हूँ। अच्छा जितना चाहिए लेकिन सीधे की टेंट आ गई हल्की सी। ये अनु अभी सही है, लाइट मिल रही है पूरी, ये देखिए आपको नहीं दिखा सी, तो ये हल्की सी टेंट आ गई ठीक है। उसके बाद हम हल्का सा काजल देंगे, काजल भी दे रहे हैं हाँ, काजल भी देंगे। अब हमने देखे रेड से शुरू किया था, रेड ब्लैक फिरोजी टेंट, तो क्या आज जो है मेकअप मूड में है, पाउडर क्रिएटिव मूड में है वाजिद खान हाँ, ये देखिए ऊपर देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी आंखें कितनी बड़ी है ना हाँ, हम काजल लगाएंगे, बड़ी बड़ी आंखें। हल्का सा सिर्फ शेड देने के लिए फुल तुम्हें मैदान मिला है पूरा मेकअप करने का माशाल्लाह है। बहुत बड़ी आंखें, आंख अंदर से भी बड़ी है बाहर से भी बड़ी है, तो वो जो आईब्रो और इसके बीच में गैप है इतना हाँ, मजेदार बिल्कुल। अच्छा उसके बाद अगेन हल्का सा ऊपर देखिए और उसके बाद सी हल्का सा हमने ऑरेंज के साथ। ये कौन सा शेड लगा रहे हैं? ऑरेंज हाँ, ऑरेंज शेड इज वाजिद खान फेवरेट शेड। मेरी आंखें इनकम्प्लीट होती थी जब तक उसके नीचे ऑरेंज ना लगा वाजिद खान। अगेन हम ब्लशर लगा रहे हैं। अच्छा हमने ब्लशर लगाया, निशा का जो फेस है बहुत पतला है तो हम हल्का सा अगेन आप कॉन्टोर नहीं दे रहे, कॉन्टोर नहीं हल्का सा ये ब्लशर लगाया। लेकिन हम निशा के जो हम शिमर लगा रहे हैं वो भी हम लाइट शेड लगा रहे हैं, देख लाइट बिल्कुल, क्योंकि इसकी जॉ लाइन वगैरह अच्छी बनी हुई है। ऊपर देखिए स्माइल, ये कि सिर्फ स्किन ग्लो करे लाइक दिस। अच्छा ये और मतलब इसका मतलब आजकल वो बहुत कॉन्टोर का फैशन भी नहीं है, गर्मी भी है हाँ। वो आप ब्लेंड होके वो काला काला इधर उधर पहुंच जाता है, इसलिए ज्यादा तो आईब्रो को हम हल्का सा शेप दे रहे हाँ। सीधी आईब्रो बनाएंगे हाँ। अगेन हम ब्रश के साथ इसको हम ब्लेंड कर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके साथ कौन सी लिपस्टिक जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है? इसके साथ हल्की लिपस्टिक लगाएंगे। अच्छा, हल्की लिपस्टिक लगाएंगे। और इसके साथ पीच पिंक भी लगा सकते हैं, बेबी पिंक, पाउडर पिंक भी लगा सकते हैं लिपस्टिक, और स्किन कलर की भी लगा सकते हैं, जैसे बिल्कुल नो कलर वाला जो कलर होता है हम वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी लगाएंगे तो वो टीवी पे नजर नहीं आएगा, तो लोगों ने वही क्या कर दिया, और ये तो मरीज लग रही है, लोग फौरन कमेंट करने में तो लोग बाज नहीं आते, वो मरीज लग रही है, ये क्या कर दिया। तो थोड़ा सा कलर जरूरी है टीवी पे लगाना ताकि ब्राइट लगे, ठीक है। तो और वैसे अगर आप बिल्कुल नो कलर लगाए, जैसे वैसलीन लगा लें हल्की सी, तो वो भी प्यारा लगेगा। नहीं, हल्का सा बहुत प्यारा लगेगा। जो लिपस्टिक जिसमें तुम न्यूड कलर्स देते हो, जिसमें तुम लोग लाइट कलर्स देते हो, उसको भी तो पेंसिल या लाइनर, लिप लाइनर से कुछ ब्लेंड करते होगे, तभी तो वो जाके होंठ अच्छे लगते हैं। हल्का सा लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के होंठ वैसे इतने पतले नहीं, मोटे होंठ हैं, तो इस पे अच्छा लगेगा लाइट कलर। जिनके बहुत पतले होंठ होते हैं ना, उनपे लाइट कलर इतने ज्यादा मजे के नहीं लगते, उनके होंठ गायब हो जाते हैं। जिनके थोड़े पाउटी भरे हुए होंठ होते हैं, थोड़े मोटे मोटे, उनपे अच्छा लगता है। मस्कारा कर रहे हैं, कातिल आंख बनाई आपने, कातिल आंख। अब हम दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से हम रेड 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 देखे, ये रेड हमने लिया, फिर रेड आ गया। हाँ, फिर रेड लिया, दूसरी आंख पे भी हमने। अच्छा, जब फाउंडेशन लगाते हैं तो आप मेक श्योर क्या बनता है दूसरी आंख पे भी शुरू कर रहे हो अभी? कर लें? नहीं ना, पहले बाकी बताओ ना, ब्लशर ऑन कौन सा जाएगा? हमने ब्लशर पिंक लगाया है, पिंक लगाया है, ये पिंक ब्लशर लगाया है, ठीक है। और हमने शिमर, शिमर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा रखें, अच्छा लगता है। इसके साथ लिपस्टिक कैसी जाएगी ना, वो दिखा दो। पिंक लिपस्टिक अच्छी लगेगी, लिपस्टिक लगा लो। दूसरी आंख हम ब्रेक के दौरान कर लेंगे। एक आंख पे आपको हमने मेकअप सिखा दिया है, निशा के शरारे के साथ बाल कैसे होने चाहिए ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और वाजिद खान, ओके, रिया का लुक कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट है, ये देखें। हाँ, रिया का लुक कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसकी लिपस्टिक देखने के बाद रिया, तुम जब तक जाओ जाके ज्वेलरी अबू रोहान साहब से पूछो तुम्हारे पर कौन सी सूट करेगी, वो ज्वेलरी दें आप अबू रोहान साहब। इसके लिए गाउन के साथ मॉडर्न ज्वेलरी होनी चाहिए, और लिपस्टिक देख रहे हैं, ग्लॉस लगा रहा है वाजिद, बहुत प्यारा सा लाइट कलर है ये, पीच सा है। आजकल ग्लॉसेस ऐसे आ गए हैं, उतरते नहीं है, जो लाइट कलर में भी आप लगाएंगे तो वो उतरते नहीं और वो प्रोमिनेंट होते हैं। वरना लिपस्टिक्स होती थी ना, वो ऐसा लगता था जैसे आपके होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई नहीं है, होंठ है ही नहीं। मगर इन ग्लॉस से ये फायदा हो गया कि लाइट कलर भी नुमाया होता है आपके फेस पर। जी अच्छा, कौन सी ज्वेलरी थी ये दिखा रहा रिया, कैमरे में दिखाओ कि तुम्हारे ऊपर कौन सी ज्वेलरी दी। ये अच्छी लग रही है, ये पहनाया है, ठीक है। फुल वाइट जो है, हाँ, वो गॉन पे ज्यादा ग्रेसफुल होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, निशा की जो नाक है ना, बहुत पतला है, बहुत शार्प है, हाँ। तो हम बहुत ज्यादा कलर, बहुत ज्यादा कंटूर नहीं, सिर्फ टिप पे हल्का सा कलर देंगे कि लोगों को पता चले, हाँ यहाँ पे नाक है, हाँ, ओके, हाँ, यहाँ पे नाक है, हाँ। बहुत ज्यादा लगा देंगे तो बहुत ज्यादा शार्प लगेगा, और ज्यादा हल्का सा हमने, और ये लिप कलर हमने लगा दिया बहुत हल्का सा, ठीक है। देखिए, हम नोट करें, शाइस्ता वाइदी की, शाइस्ता लोधी की नाक जो है वो लंबी है, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो इतनी कंटूर नहीं करती नाक पे, वो अपने हल्के से नाक पे ना टिंट लगा लेती है, पिंक पिंक सा कुछ उसकी नाक हो जाती है। तो अगर आप ऐसे भी नोट करें, मुझे हल्की बहुत कंटूरिंग करनी पड़ती है, मैं अपनी नाक की जो है कंटूरिंग यहाँ से करती हूँ, यहाँ से नहीं करती, बिल्कुल। मेरी यहाँ से पतली है, मेरी यहाँ से गोल मटोले अब्बू की तरह, तो वो इसलिए फिर मैं यहाँ से करती हूँ। तो हर किसी की नाक अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ इस पर हो रही है वो चीज़ मुझ पर भी हो, जो मुझ पर हो रही है वो मायरा पे भी हो, वो फाकिया पे भी हो, तो इसलिए डिफरेंस होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, क्या ब्रेक ले रहे हैं? रिया तुम आओ जरा, तुमसे जाएंगे ब्रेक की तरफ। रिया को देखें, उसके कपड़े हैं, सईदा मीरा के उधर से देखें, हाँ, और गाउन, हसीन गाउन है। हाँ जी, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगला लुक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाजिद खान ने आज कमाल कर दिया है, क्योंकि माशाल्लाह 1 2 3 4 और ये 5वां लुक देने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारे लुक्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक स्मोकी है, दिखाओ जरा ना निशा, तुम तैयार हो गए निशा, जरा वॉक शॉक करो, जरा जाओ वॉक करो, अपना मेकअप दिखाओ। ज्वेलरी मुझे लगता है नहीं, इन कपड़ों पर मुझे लगता है ज्वेलरी ना पहने, प्लीज, सॉरी अबू रोहान साहब, सॉरी, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये माशाल्लाह पूरा कपड़े इतने भरे हुए हैं कि मैं चाहती हूँ लोगों को एजुकेट करूँ। इस पे स्टड्स पहन ले, जैसे मैंने पहने में ना, हल्के से छोटे मोटे और स्ट्रेट बाल किए में तो एक अच्छा लहंगा है और दुल्हा की बहन है तो वो टीका लगा सकती है हल्का सा स्पेशली टीका साहब इसको सिर्फ एक टीका में लेके आते हैं ना कानों में कुछ ना हाथ में कुछ ना गले में कुछ सिर्फ एक टीका लगा देगी। देखिए आप देखिए इतना बड़े बड़े गाने होते हैं वो करीना कपूर का एक गाना था वो कौन सा था वो इसमें खाली टीका लगाया हुआ था कौन सा था वो गाना शाहरुख खान जिसमें वो था शाहरुख खान की फिल्म थी मर जानी उसमें सिर्फ टीका लगा हुआ था करीना कपूर के। उसकी वजह क्या थी उसका पूरा जोड़ा हैवी था और इनके इतने प्यारे स्ट्रेट बाल हैं टीका लग रहा है ना तो बालों की वजह से जरूरत नहीं है जी स्ट्रेट बाल जो है वो आपके फेस को कवर कर रहे हैं स्लीक लुक दे रहे हैं। एक टीका लग गया बस वही बहुत है शरारा पहना हुआ है अपने भाई की शादी। आइए जी जब तक इनका टीका लग रहा है आप आ जाइए यहाँ पे। ओके तो अब हम नेहा हमारे साथ और नेहा का क्लटरी गला है बहुत ज्यादा। हम नेहा को नहीं हम बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करेंगे ठीक है और हम लैशेस लगाएंगे नेहा के ऊपर। देखिए हमने अभी किसी को लैशेस नहीं लगाए तो क्या है कि हम लैशेस लगाएंगे हम डबल लैश लगाएंगे कि थोड़ी थिक लैशेस लगे। और तुम तो ज्यादा मेकअप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ये सारा ये गला बहुत ज्यादा है काम ठीक है व्हाइट के ऊपर भरा है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या है सबसे पहले हम एक सिंगल सा हम हल्का सा आज लोग एक नई चीज सीखेंगे डबल लैश। अच्छा एक लैश तो हर कोई लगाता ही होगा लेकिन वाजिद खान आज आप लोगों को बता रहे हैं कि डबल लैश कैसे लगानी है। डबल लैश एक लैश के ऊपर लग जाती है क्या पता भाई। अच्छा क्या है शिमर को आप सिर्फ फेस पे ही नहीं यूज कर सकते मीरा जी तीन लैशेस लगाती हैं आपको पता है। अब हम क्या है कि आंखों के ऊपर भी हल्का सा जो हमारा शिमर है वो आंखों के ऊपर हल्का सा हमने शिमर लगाया बहुत लाइट सा शिमर अच्छा सही है क्योंकि नेहा की आंखों पे जो स्पेस थोड़ा सा कम है आंखें खुलती बड़ी हैं बट ऊपर स्पेस कम है सही है। तो हम सिर्फ सिंगल शिमर आंखों पे लगा रहे हैं दोनों आंखों पे इसी तरीके से शिमर लगाएंगे ओके ऊपर और नीचे साइड पे ऊपर देखेंगे यहाँ नीचे साइड पे भी दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से नीचे साइड पे भी। मैं ये सोच रही हूँ कि मॉर्निंग शो में मैं 2.5 घंटे खड़ी रहती हूँ घर जाती हूँ टांगों में दर्द होता है कभी और लाइन में खड़े होना पड़े कभी नहीं थी लेकिन मैं अपने शो में तक हो जाती हूँ मैं मुझे याद ही नहीं रहता अच्छा ओहो ये तो मुझे बैठना भी था। तो अच्छा लैश लगाने का जो सही तरीका है हम आपसे मेकअप की बातें पूछ सकते हैं आप बता सकते हैं कौन सी विटामिन की गोली है जिससे टांगों में दर्द ना हो। दूध पीना चाहिए अच्छा तो फिर टांगों में दर्द नहीं होगा बादाम खाएं अच्छा हाँ। अच्छा जी अच्छा अब शिमर लगा लिया उसके बाद हम लैश लगा रहे लैश के ऊपर हमने हल्का सा गम लगाया इधर पे और हम इसको हल्का सा लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ड्राई होने का। जब कितना वेट करें कितना कौन सा गाना गा लें कितनी गिनती गिन लें 10 तक गिनती गिन लें ठीक है 10 तक गिनती गिन लें। मीनवाइल ये ड्राई हो रहा है हम क्या बोलते हैं कि हम आईब्रो बना देते हैं इतनी देर में सही है ठीक है क्योंकि आईब्रो पे कलर बहुत जरूरी है लड़कियों दे दो ना वाजिद को ब्रश सही है हमें आईब्रो पे कलर देना बहुत जरूरी है। आईब्रो का हमारी एक लड़की का नाम काजोल है दूसरी का नाम क्या है दूसरी मेरी दीपिका है दीपिका और काजोल। वाजिद खान के साथ आप सैलून में तारिक रोड पे ये होंगी दीपिका और काजोल एक ये देखिए मस्ती करियो यार। ये देखिए हमने आईब्रो बना दिया इतनी देर में हमने आईब्रो का शेप दे दिया सीधा बिल्कुल उसके बाद क्या है कि अब ये लैश अच्छा लैश कुछ और सूख गया आँख खोलें और नीचे देखें। वाजिद खान आप लाइट काट रहे हैं सॉरी ये देखें सिर्फ लैश के ऊपर ही रखा है हमने और हमने इसको चिपका दिया लाइक दिस ओके लैश के अभी खाली एक लैश लगी है अभी डबल स्टोरी होनी है यानी कि एक और लैश एक और लगना है ठीक है। कितनी लैशेस आप एक वक्त में लगा सकते हैं 2 3 5 दो अच्छी लगती है 2 अच्छी लगती है 3 ज्यादा हो जाती है फिर वो निकलने लगती है फिर वो स्टिक नहीं करेगी ठीक है। अच्छा 2 लगने से फायदा क्या होता है थिक लगती है थोड़ी अच्छा तो थिक ही लगा लें एक नहीं वो अच्छा वो वाली जो थिक होती है वो फिर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है वो सिर्फ काट के रख दिया है अच्छा उसकी जो लैश के जो क्या बोलते हैं इसको वो आईलिड नहीं इसको क्या कहते हैं इसको ये भाई इसको क्या कहते हैं लैश के आई लैश तो कहते हैं आई लैश की लाइन हाँ ये जो बाल हैं वो अलग अलग नहीं दिखते हैं अदरवाइज वो अगर थिक वाली लगाते हैं वो इतना सॉलिड थिक होता है कि ऐसा लगता है कि आंख पे किसी ने काट के कुछ चिपका दिया है बिल्कुल वही वाली चीज है जैसे आप बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं एक एक्सटेंशन लगा लें मोटी वाली तो उसकी जो लुक आएगी बजाय इसके जो स्टेप्स में हमने आपको सिखाई है कि 3-3 स्टेप्स की एक्सटेंशन होती है वो वाली चीज है। अब एक लैश वाजिद ने लगा दिए अब दूसरी लैश इसी के ऊपर हम इतनी देर में दूसरी लैश के बजाय हम आईब्रो अच्छा देखें इनकी जो आईब्रो है यहाँ से पूरी और यहाँ से गैप है अच्छा देखें यहाँ से दबी भी है तो हम यहाँ पे कलर देंगे ये देखें यहाँ पे ऊपर ओके ऐसे करके, अच्छा, तो वो फिल हो जाएगा गैप। ठीक है, हाँ, ठीक है। और ये देखिए हल्का सा हम कलर दे रहे हैं और इसको हम, कोई बात नहीं, उसको हम बैलेंस कर लेंगे। अगर ज्यादा लग जाए तो उसको मिटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी लैश हम लगाएंगे, दूसरी भी लैश इसी तरीके से। आँख खोलो और नीचे देखो, नीचे। अच्छा, इसके ऊपर दूसरी लैश लगा रहे हो? अभी नहीं, अभी तो एक ही लगा, एक दूसरी आँख पे हमने लैश लगा दी। लैश लगाना जरा मुश्किल काम होता है, मैं आज तक सारा मेकअप अपना कर सकती हूँ, हाँ। लैश मुझसे नहीं लगती। अगेन क्या मसला होता है? हल्का सा हम यहाँ को कलर दे रहे हैं चीक्स पे, हाँ। सही है, हल्का सा चीक्स पे कलर दिया। मैं इंतजार में हूँ कि डबल लैश जो लगनी है ना वो कैसे लगनी। ये क्या हल्का सा, अच्छा वाजिद, इनके मुँह पे जैसे पिम्पल्स निकले हुए हैं, अगर हम ब्लशन लगाएंगे तो उससे छुप जाएंगे या प्रोमिनेंट हो जाएंगे? अच्छा, कम लगाना है, कम लगाना, हाँ कम लगाना है, लगाएं लेकिन कम, जितना कम होगा उतना अच्छा है। और जितना अवॉइड करें पिंपल्स के ऊपर ब्लशन उतना बेहतर, हाँ, है। बेहतर है। अगर ज्यादा लगा देंगे तो वो डार्क होता चला जाएगा, वो और विजिबल होगा। ओके, ठीक है। आखिर के हमने ये 5 काट लिए और मुझे, अच्छा ये जो दूसरी लैश लगा रहे हो उसकी लेंथ पहली वाली लैश से थोड़ी छोटी होगी? थोड़ी एक उसका वो काट देंगे जो बाल है उसका। अच्छा, बस एक बाल की वो, हाँ ठीक है, ठीक है। ये कैसे लगेगी? ये कहाँ? इसी के ऊपर लगेगी, इसी के ऊपर लगेगी। अच्छा, इसको अच्छा क्या है कि अभी आप देख लें अभी क्या इफेक्ट आ रहा है, और जब वाजिद लगा देगा तब क्या इफेक्ट आएगा। अभी जैसे ये लैश लगाया है मैंने, ये जिसके ऊपर गम लगा हुआ है, इसको सूखने का वेट करें। जब ये सूख जाएगा तो वो, जब ये ड्राई होने लगेगा तो फौरन लग जाएगा। ये गीले के ऊपर लगाएंगे तो क्या होता है कि आंख में से समटाइम पानी आने लगता है, तो क्या होता है कि वो जो लगी हुई है वो भी निकल जाती है, हाँ। तो मेक श्योर हो जाए कि आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी ये सूखने वाला है, आपको नजर आएगा जब ये फर्म होता है, ये दबने लगता है जब, हाँ। इसका मूस, तो इसका मतलब ये सूखने वाला है। ठीक है, तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, अच्छा जल्दी से लगा के हम खत्म करना है शो, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म होने वाला है वाजिद। अच्छा बिल्कुल, हाँ अब ये डबल लैश है, आप देख सकते हैं कि वाजिद ने डबल लैश कैसे लगाई है। सारा मेकअप, ये वाला सारा मेकअप का इनसारी कहते हैं ना, ये देखें डबल आंखों मदार जो है वो लैश हो गई। अब आप देख सकते हैं दोनों आंखों में क्या फर्क है। वाह वाह वाह, ठीक है, हाँ दूसरी पे भी, अच्छा दूसरी पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, और ये जो व्हाइट दिख रहा है इसको मस्कारे के साथ कवर करना है। अच्छा, ये जो गम दिख रही है, हाँ इसको लाइनर के साथ कवर करना है। ठीक है, अच्छा हल्का सा हम आंखों के नीचे देंगे, हल्का, हाँ। सा कलर सिर्फ आंखों के नीचे, अगेन वही वाला, हाँ। हम पीची पिंक जो है कलर हम बोल, ठीक है। आप जल्दी से इसकी, हाँ। लुक कंप्लीट करें जब तक हम निशा की वॉक करा रहे हैं, आप फटाफट। ठीक है, ओके, इसके साथ लिपस्टिक क्या दे रहे हैं आप? लिपस्टिक हम हल्की लिपस्टिक करें। ठीक है, बाल सही करें आप जल्दी से आके आप लोग, ताकि क्योंकि आखिरी ब्रेक है, जल्दी जल्दी निशा आप आ जाओ। अब ये मेरे ख्याल से ये लुक कंप्लीट होके हम दिखा नहीं सकेंगे, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म होने वाला है। बिल्कुल, कितना टाइम है? तो भाई कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं है। 1 मिनट भी नहीं है, हाँ, चलो फिर 1 मिनट हम दे सकते हैं, छोड़ो, हाँ। चलो भाई, वाजिद आ गया, स्पीड जंबो स्पीड होती है वाजिद खान के पास। अगर आप जाएंगे आपकी शादी में 15 मिनट भी होंगे तब भी आपको तैयार कर सकते हैं। इनके पास माशाल्लाह ऐसा हुनर है कि ये तेज़ भी मेकअप कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। ये ठीक है, बट हल्का नीचे देखोगे, हल्का सा नीचे देखो, लोग जा छोड़ दो, कवर कर दिया। ये हमारा कवर हो गया हाँ चलो जी लाओ जी अब आप जाके वॉक कर सकती हैं। ये लीजिए आपका सामान। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वाजिद इधर आ जाते दूर के खड़े हो हाँ ऐसे खड़े जैसे पता नहीं अछूत हो गई जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वाइट कपड़ों पे इतनी सारी वैरायटी आपने कभी नहीं देखी होगी। वाजिद ने या झटपट लाइव शो में ज़बरदस्त मेकअप किया है। इन सब का खूबसूरत जोड़े हैं सईदा मीरा के और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है अबू रोहान की। थैंक यू सो मच अबू रोहान साहब आपका इतनी हसीन ज्वेलरी लाने के लिए। जी आज का हमारा प्रोग्राम यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तो देखना मत भूलिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमेशा की तरह आपके साथ ही हफ्ता शुरू होगा और आपके साथ ही हफ्ता ख़त्म हो रहा है यानी फ्राइडे। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।